आज अपनी जीएसटी की सेकंड क्लास से तुमको दिख रहा होगा लिखा हुआ। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, आज और आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो मैंने चेष्टा की कि इंट्रोडक्शन को सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखो, कुछ नया नया कंटेंट्स भी दूं। तो लास्ट क्लास वॉज लेडन विद कंटेंट, उसमें बहुत सारा कॉन्टेंट था। आज की क्लास में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट कवर करेंगे अपने एक एक करके, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी, चेष्टा प्लीज एक चीज का ये करना, क्योंकि जीएसटी क्या है ना, इनकम टैक्स की तरह नहीं है। इनकम टैक्स में सम्स के कंधे पे तुम चल लेते हो, जीएसटी में उतना सम्स नहीं होता जैसे इनकम टैक्स में। तो जीएसटी सम्स के दम पे नहीं है, पर जीएसटी में बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें, और हमको वो बहुत सारी बातें क्या है, याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे खाली समझना फोकस नहीं है, कोशिश करना संग संग याद भी करते चलो, ठीक है। और जितना नेचुरल लंबा टाइम तक याद रह जाएगा उतना अच्छा है। और एक बात इतना बता देता हूँ, तुम लोग इंटर के स्टूडेंट्स हो, करेक्ट, ये जीएसटी में इतना चेंज आ रहा है। जीएसटी काउंसिल बोल के कुछ है, देखो इधर दिखा रहे हैं तुमको, ये देखो क्या नाम लिखा बोर्ड पे दिख रहा है आपको, अरे जीएसटी काउंसिल शॉर्ट में, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल में देखो टोटल 33 मेंबर्स है, नीचे तक जाते हुए ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ये जीएसटी काउंसिल बना ही इसलिए था कि जीएसटी में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस एडजस्टमेंट्स करते रहे। तो तुम गारंटी समझ लो, इंटर से लेके फाइनल के बीच में भयंकर चेंज हो जाएगा जीएसटी। मतलब आज जो तुम सीख रहे हो और आज से ढाई साल 2.5 years के बाद जब तुम सीखोगे जीएसटी, उसमें भयंकर चेंजेस रहेंगे। इतना ऑनगोइंग है ये, यहाँ हर 6 महीने में चेंजेस आ जाते हैं। बातें बहुत सारी है, छोटी छोटी बातें और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसीलिए खो जाना बहुत आसान है, मतलब खो गए दिमाग में नहीं आ रहा। तो कोशिश करना कि एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है, डेली बेसिस पे। स्टार्ट करता हूँ, पुराना कंटेंट अपने आप जब आएगा आएगा, और नया कंटेंट भी मैं देता जाऊंगा। आज मैं लाइन से मूव करूंगा, ओके। क्या नाम दिख रहा है आपको, जीएसटी इन इंडिया। मंत्रालय सब बता चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन में दो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए हुए, एक सीबीडीटी एक सीबीआईसी। जीएसटी के लिए कौन सा है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्स एंड कस्टम्स। नाउ सुनो, हु इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्रीमती। बट ये तो तुमको मालूम है, अब मैं तुमको एक चीज और सिखाता हूँ। मेरा बात सबको ध्यान से सुनेंगे, इधर बोर्ड पे खाली बोर्ड को छोड़ो, खाली मेरे को ताको, ठीक है, इधर तो बता रहा हूँ। इलेक्शन होके भारत के अंदर से अलग अलग इलाके से एमपी लोग जाते हैं, एमपी माने, बट एवरी एमपी इज नॉट अ मिनिस्टर, बट एवरी एमपी इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। व्हाट्स अ मिनिस्टर, हूज अ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर क्या होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हॉलीवुड की मूवीज में मिनिस्टर का मतलब अलग होता है, वो मत ले लेना। उन लोग के यहाँ मिनिस्टर का मतलब होता है चर्च का जो प्रीस्ट होता है ना, वो जो फादर ब्रदर लोग होते हैं चोगा पहन के घूमते हैं, वो वाले। अपने यहाँ वो नहीं, अपने यहाँ मिनिस्टर मतलब नेता, ठीक है। तो मिनिस्टर कौन होता है, भारत सरकार क्या करती है, इट हैज टू डिस्चार्ज लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज। फॉर एवरी सेपरेट टाइप ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटी दे हैव क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री। मेरी बात समझ में आ रहा है, फॉर एवरी सेपरेट टाइप ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटी विच डिजर्व्स मोर अटेंशन दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट मिनिस्ट्री। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एयरलाइंस इंडस्ट्री को संभालता है, समझ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सुना होगा रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो पूरे रेलवे को। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पूरा स्टील सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। टेलीकॉम मिनिस्ट्री, समझ लो वैसे। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है। इन मिनिस्ट्रीज का जो हेड बंदा होता है, इन मिनिस्ट्री का जो हेड बंदा होता है उसको अपने बोलते हैं मिनिस्टर। क्या बोलते हैं अपने उसको, मिनिस्टर। अब नाउ लिसन, मिनिस्टर भी तीन टाइप के होते हैं, मिनिस्टर भी तीन टाइप के होते हैं। लिखने के लिए थोड़ा एक सेकंड, आई विल राइट इट डाउन, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या पिछले क्लास में मैंने कॉपी नोट्स दिया था, क्या हुआ था कॉपी नोट्स, तो अभी दो जीएसटी का सेकंड क्लास कॉपी नोट्स। थोड़ा सा ना सबको ही फास्ट लिखोगे, हाँ मुझे आज बहुत सारा कॉन्टेंट अच्छा अच्छा कवर करने का है। सॉरी।
ठीक है, लिख लो प्लीज। अलग अलग तरह का बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुड कंटेंट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। यू शुड हैव लाइक हैवी अमाउंट ऑफ फोकस, क्या जो सुनो फटाफट याद भी कर लो साथ ही में। आई होप लिख लिया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स डू यू सी ऑन द बोर्ड? थ्री। फर्स्ट वाला क्या है? ये सबसे ताकतवर होते हैं, ये प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स अ कैबिनेट, ओके? आवर प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। तो मिनिस्टर जो होता है वो सबसे ताकतवर इन तीनों में, वो कैबिनेट का हिस्सा होता है सीधा, ठीक है? प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा होता है, तो प्रधानमंत्री को स्ट्रेट एडवाइस करता है, ओके? क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, मिनिस्टर के नीचे एक मंत्रालय रहता है, इसके नीचे क्या रहता है? मिनिस्टर के कंट्रोल में एक मंत्रालय। मंत्रालय को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री, तो मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, ओके? दूसरा एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ही इज लाइक अ जूनियर मिनिस्टर हु असिस्ट्स मिनिस्टर। ओके, तो मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो मिनिस्ट्री का इंचार्ज है और वो कैबिनेट का हिस्सा है सीधा प्रधानमंत्री का, तो ही और शी इज लाइक अ कॉन्फिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, सीधा प्राइम मिनिस्टर से चर्चा इनकी, ओके? नाउ तुम देखो निर्मला जी को देखो, इधर ये ब्लैक कलर में लिखा श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो ये जो निर्मला जी है ये दो दो मिनिस्ट्री संभाल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? अब देखो उधर सेकंड नंबर नाम क्या लिखा है, बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंदा जो होता है ना सेकंड वाला, वो जूनियर मिनिस्टर होता है एक्चुअली, जो मेन मिनिस्टर को हेल्प करता है, ठीक है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख रहे हो मिडिल में नाम, वो एक्चुअली जूनियर मिनिस्टर होता है जो मेन मिनिस्टर को हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ एमसीए और एमओएफ में जो मिनिस्टर है वो निर्मला जी है, उनके जस्ट नीचे जूनियर मिनिस्टर कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है? तो ये उनको असिस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? उनको असिस्ट करते हैं। तो इसीलिए तुम जब भी मतलब निर्मला जी का फोटो देखेगा, चाहे एमओएफ में चाहे एमसीए में, बगल में ये भी वहीं पे रहेगा, ठीक है? तो हु इज द मेन मिनिस्टर? निर्मला जी। एंड हु इज द जूनियर मिनिस्टर हु असिस्ट हिम? अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर को क्या बोलते हैं ऊपर देखे, बोलो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कोई स्टेट का नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। हम लोग ये स्टेट वर्ड सुनते सुनते कोई स्टेट का होगा ये, अरे स्टेट का नहीं है रे, ये बोलने का नाम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इट डज नॉट मीन दैट ही इज किसी स्टेट का मिनिस्टर, समझ गए? तो इस वर्ड को देख के प्लीज मिसगाइडेड मत हो जाना, ये नाम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? तीसरा उधर क्या लिखा देखो, तो मिनिस्टर वापस तीसरा उधर कोना में क्या लिखा है बोर्ड पे देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रैकेट में, हाँ ये किसी के अंदर में नहीं है। देर आर छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज भी तो हैं जो उतनी एक्टिव नहीं, उतनी ताकतवर नहीं है। रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ा काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ा काम है, देन तुम्हारे पास छोटा छोटा पॉल्यूशन कंट्रोल, इस सब का भी तो मिनिस्ट्रीज है, ठीक है? तो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज का जो हेड मिनिस्टर होता है ना, वो किसी के अंदर नहीं, वो अपना खुद है, उसीलिए उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, परंतु वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए यू कॉल हिम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, औकात में जूनियर मिनिस्टर है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, पर वो मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, वो किसी के नीचे नहीं है, ठीक है? अब हम लोग फिलहाल जो टैक्स कर रहे हैं, हमारे लिए काम का पड़ेगा ये दो जन, मुझे ये तो दिखाना था तुमको, क्योंकि आज मैं जीएसटी काउंसिल भी पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये हम लोग के मतलब याद रखना इज सो सिंपल। ये इधर पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं, भारत का राजपत्र लिखा हुआ है मेरे हाथ पे, अरे मेरे पास का सॉफ्ट कॉपी है ना, ये रहा, अब तो दिख रहा होगा इधर, ये भारत का राजपत्र। हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट आया जीएसटी को लाने के लिए, हमारे संविधान में अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अमेंडमेंट का नंबर क्या था? 101। तो ऐसे याद रह जाएगा, मतलब सेंचुरी पूरी होने के बाद जो अमेंडमेंट आया वही था जीएसटी का अमेंडमेंट,
इधर इसका नाम, ये नाम पढ़ो तो ऊपर क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो जीएसटी कब आया, 2017 में, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लाने में कुछ कानूनी बाधाएं थी, अड़चने थी, तो उनको हटाने के लिए संविधान को अमेंड करना पड़ता। तो संविधान अमेंड कब हुआ, 2016 में अमेंड हुआ, 101। और ये जो अमेंडमेंट हुआ ये किस डेट से लागू हुआ, ये मेरा बर्थडे का डेट था, ठीक है, इसी दिन से 8 सितंबर से ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसके अंदर टोटल 20 सेक्शंस हैं, इस एक्ट के अंदर कितने 20 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो जीएसटी को लाने की राह में अड़चन थे, उनको रेक्टिफाई कर दिया गया। तो दैट ऑल्सो वी विल कवर टूडे। एंड वन मोर थिंग, दे एडेड अ न्यू आर्टिकल, दे एडेड अ न्यू आर्टिकल कॉल्ड 200, एक सेकंड, एक्ट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको सेक्शन नंबर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको सेक्शन नंबर क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर, क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर। तो एक नया आर्टिकल इन्होंने जोड़ा 279A, जिसका मकसद था यही, जीएसटी काउंसिल की स्थापना, ठीक है, क्लियर। तो ये सब अपने आज डिस्कस करने वाले हैं, कमिंग बैक, ये क्लियर, इतना मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह, ओके, बैक टू दिस वन। अब ऊपर करूं इसको मैं, नोट्स पे आ जाओ फटाफट। ये डीटी और आईडीटी का डिफरेंस बता चुका, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, गॉन केस, ओके। ये जीएसटी की तारीफ है, मैं तुमको इतना बता सकता हूं, बस एक साल और जीएसटी का ये सब तारीफ सुनने को मिलेगा, उसके बाद कोई ये सब बात नहीं करेगा। अरे नया टैक्स आ चुका, पढ़ो नया टैक्स, क्या बैठ के दिन भर उसका तारीफ करना, क्या पुराने वाले टैक्स से उसके साथ कंपेयर करना, ये तो दिन भर कंपेरिजन चला है ना, जीएसटी इतना अच्छा है क्योंकि एक्साइज बुरा था, जीएसटी इतना अच्छा है क्योंकि वैट बुरा था, क्योंकि सर्विस टैक्स बुरा था। ये दिस टाइप ऑफ अ कंपैरेटिव एनालिसिस इज डन ओनली फॉर फ्यू इयर्स व्हेन अ न्यू टैक्स कम्स, आफ्टर दैट ये पुरानी बातें होती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, ठीक है। मतलब तुमको याद होगा क्लास 6 में जब तुम थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहली बार ऐड हुआ होगा, उसके पहले 5 में साइंस चलता है। तो जब पहली बार क्लास 6 में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते तो क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट इज फिजिक्स, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन बायोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी, ठीक है। तो अरे हो गया, आगे जाके वो काम आता है क्या, कोई ये सब्जेक्ट का डिफरेंस बताओ, तो ये वही सब चीज है, चुप रहो इधर, मैं समझ गया, ये इधर पिछले दिन तुम नहीं था ना, कितना शांति था वो था ही, अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, अरे भाई शांत हो जाओ प्लीज यार, सॉरी यार, इधर देखो जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब शुरू में सीखने को मिलता है कि दीज आर दी एडवांटेजेस, बाद में एग्जाम के टाइम पे इस पे प्लीज एफर्ट ना देना। इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई अपने किए थे अलोंग विद ऑल क्वेश्चन आंसर्स एग्जांपल्स, ठीक है, ये उसी का इंट्रोडक्शन बेसिक है, तो डन है। अब वापस इसको क्या बताऊं, ठीक है, इसमें वही कंपैरिजन बताया हुआ है, देखो जरा कंपैरिजन, पहले ऐसा होता था अर्लियर, अब ऐसा होता है, पहले क्या लगता था एक्साइज और वैट, अब क्या लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, पहले लगता था वैट अब लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, पहले लगता था सर्विस टैक्स अब क्या लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, वही चल रहा है रेपिटेटिव स्टफ, तो इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा सीखने का ज्ञान नहीं है। देन कम्स इंटर स्टेट, अच्छा इंट्रा स्टेट में तो सीजीएसटी एसजी होता है, लेकिन ये मैं आंसर ही बोलने वाला था अभी, इंटर स्टेट में क्या होता है आईजीएसटी, इंटर स्टेट में क्या होता है आईजीएसटी। और मैं तुमको एकदम सिंपल बता रहा हूँ याद रखने का स्कीम, तुम सीधा मेरे बारे में सोचना एकदम, ठीक है, तुम लोग जो मेरे पास यहीं पे मेरे हेड ऑफिस में पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग को जब मैं बिल देता हूँ तो बिल पे क्या रहता है सीजीएसटी एसजीएसटी, बिकॉज इंट्रा स्टेट है। मैं सर्विस दे रहा हूँ यहीं पे बैठा हूँ, तुम सर्विस ले रहे हो यहीं पे बैठे हो, ओरिजिन भी यहीं डेस्टिनेशन भी यहीं, ओरिजिन ऑफ सर्विस यहां से डेस्टिनेशन वहां, सेम जगह है ना, इंट्रा स्टेट है ना, तो इंट्रा स्टेट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आधा टैक्स बंगाल सरकार आधा टैक्स भारत सरकार, तो मेरे को क्या देने का है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो तुम लोग के बिल पे क्या लिखा है सीजीएसटी एसजीएसटी, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन लफड़ा तब आता है जब मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ और मेरी क्लासेस मुंबई में चल रही है, थाने में चल रही है, थाने मुंबई में एक जगह है, ठीक है, भोपाल इंदौर में चल रही है, जयपुर में चल रही है, वहां लफड़ा हो गया एकदम कस के, क्योंकि सर्विस देने वाला बैठा वेस्ट बंगाल में, सर्विस लेने वाला बैठा है किसी दूसरे स्टेट में, तो आधा टैक्स भारत सरकार को जाएगा ये सबको मालूम है, बाकी आधा टैक्स किसको जाएगा, कौन से स्टेट को जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं
राइट डाउन. राइट डाउन प्लीज. इसका पेज बोल दो क्या सबको. फोर, पेज फोर. जीएसटी इज अ व्हाट टैक्स? ओरिजिन बेस्ड टैक्स की डेस्टिनेशन बेस्ड है. तो मेरी सर्विसेज ओरिजिनेट बंगाल में की, पर मेरी सर्विसेज को रिसीव करने वाला पर्सन डेस्टिनेशन कहां पर है? वो मुंबई में, थाने में, भोपाल, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, अहमदाबाद, तो वहां पे है. तो यानी कि आधा टैक्स बंगाल सरकार को नहीं, आधा टैक्स उन स्टेट्स की सरकार को जाएगा, पर मैं देने वाला कोई नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यहां का है. मेरा जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन मैंने करा रखा है, कहां करा रखा है? वेस्ट बंगाल में. तो मैं बैठ के राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे पाऊंगा. तो मेरा सिंपल तरीका, मैं आईजीएसटी एक पैकेज करके सीधा आईजीएसटी दे दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट आधा अपने रखेगा और आधा राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार को, जैसे भी जो देना है दे देगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पे क्या लगता है बोलो मेरे को? आईजीएसटी याद आ रहा है? अभी थोड़ा रिकैप हो रहा है, याद आ रहा है आईजीएसटी कब था, क्या था? मैं सिंपल बोल रहा हूं, तो मेरा एग्जांपल याद हो गया कि मेरे केस में कैसे होता है. एकदम पूरा एकदम सही बैठेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं मचेगा. तुम लोग के बिल में आईजीएसटी नहीं है, तुम कभी भी देख लेना. जो तुम लोग यहां पे क्या लग रहा है, मेरे से क्लास कर रहे हो लाइव वीडियो, तो उसमें तुम्हारे में कभी आईजीएसटी नहीं. तुम्हारे में हमेशा देखना बिल में पूरा ब्रेकअप करके डाला हुआ होगा सीजीएसटी एसजी, देख रहे हो. पर बाहर जिसको जाता है उसको क्या जाता है? आईजीएसटी वाला बिल. ओके, यही फिर से वही कंपैरिजन. अर्लियर ये होता था, अभी ये होता है, फिर ये होता था, फिर वो होता था. काम का चीज पे आ जाओ. काम की चीज पे आ गए. हेडिंग ऊपर आईजीएसटी. आईजीएसटी ठीक है. इनकम टैक्स, एक बार अब मेरे को सुनना. इनकम टैक्स इज अ सिंगल मॉडल रेवेन्यू. इनकम टैक्स इज अ सिंगल मॉडल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. इनकम टैक्स में कभी भी स्टेट के बारे में बात करते हैं हम लोग? वॉट एवर इनकम टैक्स आई पे, वेर फ्रॉम विच एवर स्टेट आई पे, इट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में बैठ के कमाई कर रहा हूं, इनकम टैक्स दे रहा हूं, जाएगा एक ही जना को, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इट्स अ सिंगल मॉडल रेवेन्यू. ये डबल मॉडल है. जीएसटी क्या है? डबल मॉडल है. देखो यहां क्या लिखा है, ये दिख रहा है ग्रीन कलर, क्या लिखा बोलो? डुअल मॉडलिंग का मतलब आधा जाएगा सीजी, आधा जाएगा एसजी. इसको बोलते हैं डुअल रेवेन्यू स्ट्रक्चर, डुअल मॉडल टैक्सेशन, डबल मॉडल टैक्सेशन. ठीक है, जहां मेरे द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा? आधा आधा करके दोनों के पास जाएगा, यही नियम है. तो जब देखो प्लीज, मैं जो लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक अगर याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा. देखो, अगर इंट्रा स्टेट की हम बात करें, तो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, आई एम सपोज टू पे सर्विस टैक्स. आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द पेयर, आई एम द पेई. तुम लोग कस्टमर्स हो, तुम लोग फीस देते हो, मैं सर्विस प्रोवाइडर, मुझे फीस मिलती है. सो आई एम सपोज टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ओके, नाउ द पॉइंट इज, इन दिस केस when you people are taking classes in Calcutta, there is no confusion. There is no confusion in my mind. I know that I am giving my services and it is being received in the same state. So there is no other state in the picture. There is only one state in the picture, West Bengal government. So obvious si baat hai ki mera tax main aadha isko dunga, aadha usko dunga, CG ko. Theek hai? Lekin jab yahin pe origin aur destination do alag alag states mein ho jaye, ओरिजिन ऑफ सर्विस एक स्टेट में हो रहा है वेस्ट बंगाल, और डेस्टिनेशन ऑफ सर्विसेज किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है. नागपुर में क्लास चल रही है, नागपुर महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र में, तो यहां ओरिजिन और डेस्टिनेशन अलग अलग हो गया ना, तभी तो कंफ्यूजन मचेगा. तभी तो मैं मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल में सोचूंगा कि यार आधा तो सीजी को देंगे, आधा किसको दे, डब्ल्यू बी गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तभी तो कंफ्यूजन मचेगा. तो मेरे कंफ्यूजन का समाधान डुअल मॉडलिंग के अंदर कैसे मिलेगा? डुअल मॉडलिंग के अंदर समाधान इसका ऐसा है कि मैं हेडेक नहीं लूंगा, मैं पूरा 9% और 9% 18% क्लब कर दूंगा एक साथ, एंड आई विल गिव इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ
and then CG will take care of it. CG will keep its apna share 9% and give the relevant 9% share to the relevant state government. So for me, the taxpayer, there is no tension. Tension apna CG sambhal lega. तो डुअल मॉडल स्ट्रक्चर इसीलिए आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट को लेके आता है कि बंटवारा करने का जो काम है वो मैं नहीं करूंगा, वो सीजी करेगा. जब तुम लोग को यहां पे मैं सर्विस दे रहा हूं तो 18% का जो बंटवारा है मैं करके देता हूं. मैं 9 देता हूं सीजी को, मैं 9 देता हूं एसजी को. लेकिन जब यही सर्विसेज सेम मेरी क्लासेस नागपुर में बैठ के चलेंगी तो वहां पे मैं बंटवारा करने वाला कोई नहीं हूं. मेरे 18% का बंटवारा मैं नहीं करूंगा, उसका 18% का बंटवारा कौन करेगा? सीजी. मैं तो दोनों 9% को इंटीग्रेट करूंगा, एक साथ जोड़ दूंगा और दे दूंगा सीजी को. इट्स कॉल्ड आईजी एसटी इंटीग्रेटेड. और बंटवारा कौन करेगा? अपॉर्चुनमेंट कौन करेगा? सीजी करेगा. आधा अपने रखेगा, आधा उसको दे देगा. ठीक है, तो डुअल मॉडलिंग टेक्स केयर ऑफ इट. नाउ कमिंग डाउन टू बिलो, नीचे देखो, यहां पे देखो, ड्रॉ करना थोड़ा सा. ये ओरिजिन, ये डेस्टिनेशन. ठीक है, मिस्टर बैनर्जी जो बंगाल में है उन्होंने कुछ सर्विसेज रेंडर की मिस्टर कार्तिक को. मिस्टर कार्तिक चेन्नई में, तमिलनाडु में. व्हाट इज द डेस्टिनेशन स्टेट? तमिलनाडु. अच्छा, जहां तक बैनर्जी का सवाल है, बैनर्जी जब टैक्स देगा, जीएसटी देगा, तो वो क्या नौनों अलग अलग करेगा कि वो एक साथ बंडल करके दे देगा? वो एक साथ बंडल करके आईजीएसटी जोड़ के दे देगा. ठीक है, वो डोंट हाईलाइट, हर चीज हाईलाइट करने का नहीं है. कल देखो ना, वो एक साथ ही नौनों का बंडल जोड़ के आईजीएसटी दे देगा. फिर भारत सरकार उस आईजीएसटी का क्या करेगी? बंटवारा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी बाय सीजी एज फॉलोज. आधा माल सीजी अपने पास रख लेगा, सीजीएसटी, और आधा किसको देगा बोलो? तमिलनाडु एसजीएसटी. वहां उड़ीसा लिखा हुआ था, उसको काट के तमिलनाडु कर दो, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. अभी स्पष्ट और ठीक है, हटा दें इसको. ये बात हो चुका अपना डिस्कशन कि पहले क्या क्या टैक्सेस थे वो हट गए, अब सब घुस गए जीएसटी में. अच्छा, स्टेट्स यूटी वगैरह, मैं बात जो भी कर रहा हूं वो मई जून 2020 के लिए कर रहा हूं. फॉर यू, फॉर मई जून 2020 का स्टूडेंट एंड फॉर जीएसटी सब्जेक्ट ओनली, फॉर जीएसटी सब्जेक्ट ओनली. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28 की 29. कितना? जम्मू को लेके कितना? 29. एंड हाउ मेनी यूटी आर देयर? 7 ओनली. जो पहले 7 हुआ करता था वही सेम 7. तो तुम्हारे लिए कितना है? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी. अच्छा, जो ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको हम स्टेट मानते हैं, जिनको हम जीएसटी के लिए क्या मानते हैं? स्टेट मानते हैं, बिकॉज उनके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो जीएसटी के लिए उनको स्टेट बना माना जाता है बाकायदा. नेम देम. दिल्ली एंड या पुडुचेरी का पुराना नाम जो था पौंडीचेरी था, सुना होगा तुम लोग स्कूल में पौंडीचेरी, बाद में हो गया क्या? पुडुचेरी. तो जो भी नाम है अपने वही याद रखेंगे. ठीक है, क्लियर है? तो अब सुनो, 29 स्टेट्स प्लस टू यूनियन टेरिटरीज विच आर रिगार्डेड एज स्टेट्स. तो 29 प्लस 2 कितना हुआ? 31. तो ये 31 जो है ना, 29 स्टेट्स और दिल्ली पुडुचेरी मिला के 31, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर है. क्या है वो? जीएसटी काउंसिल का मेंबर है. ठीक है, ये क्लियर है? ये तुम लोग लिखे हो क्या? दिल्ली एंड पुडुचेरी ट्रीटेड एज अ स्टेट फॉर जीएसटी, ये लिख चुके हैं. बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए मैंने दिखाया भी था आज तुम लोग के लिए. मैप देखो भाई, ऐसा रहेगा, मतलब जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं है, मतलब यूटी में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ. देख रहे हो, सिंगल जम्मू कश्मीर. ठीक है, ये क्लियर है क्या? तुम्हारे लिए बंटवारा ये है. जगह जगह पे ऐसा होगा कि अपने को थोड़े बहुत स्टेट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि तुम मैप देख लेना और स्टेट्स थोड़ा सा याद करना. उससे क्या, जो तुम्हारे को याद होगा ना, मैं दिखाऊंगा तुमको कितना फर्क पड़ता है. अगर वहां से किताब में लिखा हुआ याद करोगे याद नहीं होगा, मैप से देख के याद करोगे सटाक से याद हो जाएगा तुम. ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा. ओके, बाद में बैक टू दिस. ये अब देखो जरा,
पेज नंबर 6 तक तो क्लियर है. अच्छा अब पेज नंबर 7 पे जस्ट लुक एट दिस, क्या लिखा है बोलो तो मेरे को. अरे नाम पढ़ो. स्पेशल कैटेगरी. मैं तुमको याद रखने का एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैप में ले जाएंगे एकदम. ठीक है, कितने दिख रहे हैं आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? 11. मैप देखो एक बार, इधर आ जाओ थोड़ा सा मेरे साथ याद करने का. मैप में मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते. ये इंडिया का टॉप भाग ले लो, विजिबल तो नहीं है, रुको, ब्लैक कलर से कर देता हूँ. ठीक है, ये से टॉप पोर्शन लो इंडिया का कट करते हुए इस तरह से, ये एकदम टॉप पोर्शन ले लो. अब ये टॉप जो ब्लैक बाउंड्री दिख रहा है तुमको, ब्लैक बाउंड्री के ऊपर जितना भी है दोज आर ऑल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. पहला आपको कौन सा दिख रहा है बताओ? मैं जम्मू पे डॉट पुट किया, दिख रहा है क्या डॉट? ठीक है, जम्मू कश्मीर, फिर ये अपना हिमाचल प्रदेश, करेक्ट, फिर ये उत्तराखंड, नेपाल ऑब्वियसली अपना नहीं है, उसके बाद ये छोटा सा देख रहे हो सिक्किम, दैट इज सिक्किम. कितना हो गया गिनो, 1 2 3 4, कितना हुआ? 4. और ये जो कोने में आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और ये टोटल कितने हैं? 7. तो 7 4 कितना हुआ? हो गया 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर तुम मैप के हिसाब सोचो तो एकदम थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना, आंख बंद करके हल्का सा भी, तुमको याद आएगा जम्मू कश्मीर है ऊपर से स्वाइप मारता हुआ, नीचे स्वाइप मारते हुए कौन सा आएगा? हिमाचल, देन उत्तराखंड, देन एक छोटा सा स्टेट और है सिक्किम. सिक्किम भी घूमने की जगह है, सिक्किम गैंगटॉक. ठीक है, तो सिक्किम आएगा छोटा स्टेट. फिर उसके बगल में जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है अपना, ठीक है, वो भी कवर हो रहा है. तो ये 1 2 3 4 + 7 कितने हुए? 11. तो 11 को क्या बोलते हैं? स्पेशल स्टेट्स. ठीक है, अभी याद रह जाएगा स्पेशल स्टेट्स. मैं तुमको ये दिखाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंडमेंट आया ना, उसमें इनको बोला गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तभी अपने पूरे जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी के नाम पढ़ते हैं. अच्छा एक बार मैं चाहता हूँ ये 7 का थोड़ा नाम याद कर लो. सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, एक सेकंड, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश ब्लू कलर, फिर लेफ्ट साइड में पिंक कलर में आसाम, फिर ऑरेंज कलर मेघालय, फिर उस तरफ चलो लेफ्ट लाइट ब्लू कलर नागालैंड, फिर ग्रीन मणिपुर, फिर नीचे की तरफ मिजोरम और त्रिपुरा. डबल ए ट्रिपल एम एन टी. ठीक है, हम लोग को ऑब्वियसली इनका मैप बना के तो एग्जाम में आना नहीं है, तो मेरे को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश ऊपर है कि नीचे है, मुझे बस ये 7 एक पैकेज की तरह फटाक से याद रहने चाहिए. नाम बोलो. डबल ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर ए से आसाम, ये साइड हुआ. ट्रिपल एम मेघालय मणिपुर मिजोरम. ठीक है, एन टी एन नागालैंड एंड टी से त्रिपुरा. ठीक है, तो 7 याद रहेगा तुमको. ओके, और इधर का ऊपर का 4 स्वाइप तो क्लियर है ही ना? डन. यहां पे लिखो
हो गया, हटा दे जल्दी हो यार। ठीक है, द टॉप स्टेट्स इन इंडिया मैप, जेके, एचपी, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, ऊपर करें। अच्छा, इन लोग का क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये क्या तरीका है? आप क्यों 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी बोल रहे हो? बिकॉज क्या है, इन लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन को लेके, टैक्सेशन को लेके थोड़े बहुत एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है, इन जीएसटी इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स हैं, एग्जेम्पशन से थोड़े डिफरेंट है, इसीलिए इनको स्पेशल दर्जा दिया गया है। ओके, हाइलाइटर, लाइन से पहले खत्म कराऊंगा ये वाला, ठीक है, फिर नया सामान में जाएंगे। तो आज की क्लास के बाद यू विल बी एबल टू रिवाइज प्रॉपरली एट होम एंड कीप लर्निंग। अब अपने पास यूटी में आते हैं। फॉर योर एग्जाम हाउ मेनी यूटीज आर देयर? 7, टू ऑफ देम आर रिगार्डेड एज तुम्हारे एग्जाम के लिए भी 29 स्टेट्स, हम बोला था जम्मू कश्मीर को स्टेट माना है। ये 31 का आंकड़ा क्यों अभी हाईलाइट कर रहा हूं बता देता हूं, लिख लो फिर बता देता हूं। ठीक है, पहले यहां तक सब वो क्लियर है। अच्छा, नीचे देखो मैंने एक बोल्ड लाइन में कुछ लिखा है। ठीक है, यू मे हाईलाइट यू मे नॉट, लिखा हुआ दिख रहा है दिल्ली पुडुचेरी वाली बात, क्योंकि उनका अपना सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनको अपने स्टेट का दर्जा देते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, 29 स्टेट्स प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये मिला के 31 हो रहा है। ये मिला कितना हो रहा है? 31। इसकी बात क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। एक जीएसटी काउंसिल बनाना था। क्या बनाना था? जीएसटी काउंसिल। मैंने जो अपनी पहली क्लास उसमें बताया भी कि जीएसटी के दो मेन साइट्स मिलेंगे, एक gst.gov.in और एक दूसरा मिलेगा gstcouncil.gov.in। तो जो जीएसटी काउंसिल का साइट है ये इंपॉर्टेंट है, ये जीएसटी काउंसिल ही सारा अमेंडमेंट आ रहा है। तुम इसका नाम बार बार सुनते रहोगे, जितने भी अमेंडमेंट आ रहे हैं जीएसटी में छोटे 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 करके आ रहे हैं, ये कौन लेके आ रहा है अमेंडमेंट? जीएसटी काउंसिल। अच्छा, तुमको क्या लगता है इतना हाई पावर कमिटी, इतना हाई पावर कमिटी जो बार बार जीएसटी में संशोधन कर रहा है, क्या इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे बैठेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के भी बैठने चाहिए? किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के कि सब स्टेट गवर्नमेंट के? सब स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, सब मतलब 29 स्टेट्स प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, मिला के कितना? 31। ये 31 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये जो 31 हुए किसके हुए? स्टेट्स के। अब सीजी का बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। सीजी का रिप्रेजेंटेटिव कौन? ये दो जन देखो, मोस्ट वॉन्टेड। पहले कौन? शी इज श्रीमती निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ, दिख रहा है फलाना ढिमका। ये कौन है? ये तो अपना चाइल्डहुड का फोटो दे दिया, भगवान जाने क्या। सॉरी, ये सुधरेंगे। ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ये बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत ही तगड़ा होल्ड है इनका पॉलिटिक्स पे, इज अ वेरी रेप्यूटेड एंड इधर देखो यार क्या लिखा है सामने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब किसी स्टेट का नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब होता है जूनियर मिनिस्टर अंडर द मेन मिनिस्टर, जो कैबिनेट का हिस्सा, कैबिनेट का हिस्सा निर्मला जी हैं। ये ही इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट। ओके, तो ये दो जन हुए। अच्छा, 31 स्टेट्स के बंदे और दो सीजी के, जोड़ के कितना? 33। लिस्ट देखना तो अभी ऊपर कर रहे हैं हम, हाँ लिस्ट में लास्ट कौन है? 33। ये कौन है? डॉक्टर अमित मित्रा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 33।
ये जो पढ़ा रहा हूँ अभी जस्ट नाउ, इज इट एक्स्ट्रा नॉलेज की एग्जाम में आता है? एग्जाम में आता है, इसीलिए इतना बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जीएसटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? 33। टू ऑफ देम आर सीजी का बंदा, नेम देम, मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। 31 ऑफ देम आर स्टेट्स का फाइनेंस मिनिस्टर, अलग अलग स्टेट्स का फाइनेंस मिनिस्टर। 29 स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड दो यूटी, जो स्टेट माना जाता है फॉर हियर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, करेक्ट है। तो जोड़ के कितना हो गया? 33। इनफैक्ट तुम बिलीव नहीं करोगे, इनका वोटिंग पावर का कैलकुलेशन भी एग्जाम में आता है। इनका वोटिंग पावर का जो कैलकुलेशन है वो भी हमारे लिए रेलेवेंट है, वो भी मेरे को सिखाना पड़ेगा, तो जाएंगे उसमें बाद में। इधर ये जम्मू वाला नोटिफिकेशन है, तुम्हारे एग्जाम में जम्मू कश्मीर का दो पार्ट नहीं हुआ है। फिर ये सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के सम्स वगैरह कुछ थे एग्जांपल्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हटा रहा हूँ इसको। अब हम लोग आ गए पेज 9 पे। अब सब सील ऑर्डर में एकदम ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्कीम एंड कॉम्पोजिशन स्कीम समझना पड़ेगा ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट्स और यूटी के नाम आएंगे, ये याद रखना पड़ेगा। ये मैं इसको लेके मैं बता देता हूँ, अलग अलग जगह इंटरनेट पे तुमको अलग अलग मटेरियल मिलेगा, बिकॉज क्या है कि ये सब बार बार अमेंड हुआ है। ये 10, 20, 40 तीन फिगर्स बोल रहा हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये फिगर्स है ना, बार बार चेंज हुआ है ठीक है। तो इंटरनेट में जाओगे तो कन्फ्यूज होकर निकल जाओगे, इतना भयंकर है। तो इंस्टीट्यूट की जो किताब है डायरेक्ट उससे निकाल के बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट है ये फॉर योर एग्जाम ठीक है, जो याद रखने का है, क्लियर है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन रखना ही मत, ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की किताब से एकदम है, और जितना सरल यहाँ है उतना सरल कहीं नहीं है। एक बात मेरे को बताओ, कोई फायदा होगा तुमको कि तुम 2017 का लिमिट्स याद करो, 2018 का लिमिट्स, 19 का लिमिट्स याद करो, कि तुमको अपना एग्जाम का लिमिट याद करना है? तो फालतू का हिस्ट्री जानने का इच्छा है क्या, पहले क्या 10-20 था, क्या 20-10 था, क्या ये था? सीधा तुम आज का याद करो ना, वही तो आएगा ना। तो आज का लिमिट्स ये है। अब ये लिमिट्स क्या है तुम सुनो, इधर मेरी तरफ पहले ध्यान दो। मैं नहीं, मेरा एलएलपी कोचिंग सेंटर जो एलएलपी है मेरा, सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी, ये किस स्टेट में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है? वेस्ट बंगाल। ये एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड वेस्ट बंगाल में है ठीक है। इस एलएलपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस स्टेट का है? वेस्ट बंगाल। ओके, ये नीचे लाल रंग के जो नाम मैंने हाथ से लिखे हैं, इसमें वेस्ट बंगाल कहां जाता है बताओ? एटसेट्रा में जाता है, अलग से कहीं मैंने लिखा है डब्ल्यू भी नहीं, तो वो एटसेट्रा में जाता है। अब सुनो, जो अदर स्टेट्स हैं जो एटसेट्रा में है, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर एटसेट्रा ओनली, मोस्ट ऑफ देम आर ओनली एटसेट्रा, जितना भी बड़ा स्टेट बोलो, महाराष्ट्र है कहीं पे अलग से, हाँ तमिलनाडु है कहीं अलग से, तो वो सब एटसेट्रा में ही है। तो जितने भी बड़े स्टेट्स हैं उनमें नियम क्या है सुन लो, मैं सपोज सर्विस प्रोवाइडर हूँ या फिर मैं गुड्स का सप्लायर हूँ ठीक है। अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं और मेरा टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, अगर मैं गुड्स बेचता हूं, क्या बेचता हूं? गुड्स। और अगर मेरा सप्लाई का जो एक साल का अमाउंट होता है टर्नओवर, वो अगर 40 लाख पार है, तब मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गुड्स नहीं बेचता, मैं सर्विसेज में हूं, जैसे कि मैं तो सर्विसेज में हूं, तो मेरे लिए लिमिट 40 लाख की नहीं है, कितने की है? 20 लाख की है। तो सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, इट्स टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख इन अ ईयर, इट्स टर्नओवर इस ये एलपी सर्विसेज में, और सर्विसेज का जो इसका टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर एक साल का ठीक है, तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इसीलिए मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ भी है, और तुम लोग के हर बिल पे मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कोटेड रहेगा। इट्स कॉल्ड जीएसटिन,
जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीन, समझ रहे हैं फुल फॉर्म जीएसटी आई एन, क्या बोला जीएसटी आई एन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें एलएलपी का पैन नंबर भी बीच में आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, बाद में किसी दिन और सिखाऊंगा डिटेल में, ये पहले समझ में आया। अच्छा, अब एक बात आप सुनो, मेरे जैसे जैसे टीचर्स लोग होते हैं, देर आर लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ टीचर्स, देर आर सो मेनी टीचर्स जो 11 12 को ही पढ़ाते हैं, 8 9 10 को ही पढ़ाते हैं और फाड़ के कमाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उन लोगों का महीने का टर्नओवर ना ना करके भी 2 लाख तो निकले गए, ठीक है, कोचिंग लाइन में पैसा है भाई, ठीक है ना, तो मतलब मेरे पे मत आओ, दूसरों का देखो चिल्ला क्यों रहा है इधर, तो सपोज, अरे यार चुप हो जा भाई, तो इनका जो महीने का टर्नओवर है 2 लाख, मैं बता रहा हूँ तुमको, मिनिमम साल का कितना हुआ 24 लाख, 20 लाख पार है, 20 लाख पार है, तो दे शुड ऑल्सो टेक जीएसटी इन, बट दे डोंट शो दैट मच, दे शो लेस देन 20 लाख, क्योंकि 11, 12 लोअर क्लास में जो फीस कलेक्ट होती है, कैसे कलेक्ट होती है, मोस्टली कैश में होती है, वो तो बड़े क्लासेस में जो फीस होती है सारी की सारी कार्ड चेक से ही आती है, 90% ऑफ द फीस इज इन कार्ड चेक, और वो एक मोबाइल से भी जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, हाँ ई वॉलेट सब कुछ, तो पर लोअर क्लास की अगर तुम बात करो, जहाँ महीने महीने अपने फीस दिया करते थे सरों को जाके, तो वहां पर क्या 20 लाख से मतलब वो लोग कम दिखा देते, तो रजिस्ट्रेशन लेने का नौबत आता ही नहीं है, ये समझ में आ रहा है बात तुमको। अच्छा, और एक चीज तुमको बताता हूं, अगर तुम इंटर स्टेट सर्विस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इंटर स्टेट, तब तुम्हारा टर्नओवर नहीं देखेंगे, तब तुमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ही, तो मैं तो इंटर स्टेट भी दे रहा हूं ना सर्विस, मेरा सर्विसेज तो इंटर स्टेट भी है, यहां भी पढ़ाओ फ्रेंचाइजी में भी, तो मेरे केस में तो जीएसटी ऐसे भी मेरे को लेना पड़ता ही। अब जहां तक वो लोअर क्लास 11 12 के हमारे सर लोग हैं, उनका इंटर स्टेट सर्विस नहीं है, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, तो तुमको इस टॉपिक का एक बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देखो, हर किसी को सरकार कवर नहीं करेगी, छोटे छोटे लोगों को सरकार कवर नहीं करेगी। अब तुम सपोज ब्रेक दिया मैंने, तुम नीचे गए, वो चाय वाला जो है जिससे चाय वाय खरीदोगे उसका पता नहीं 6 रुपये 7 रुपये का भांड होता होगा, मैं मालूम नहीं है रेट कितना, रेट अभी 7 है, ठीक है 5 हो गया क्या, अच्छा ठीक है जाओ, अरे यार फिर मेरे पास सपोज उसका 10 रुपये का रेट है, तो वो क्या उसमें जीएसटी जोड़ के देगा, वो नहीं देगा, बिकॉज उसके वैल्यू ऑफ गुड्स 40 लाख से बहुत कम है, उनका एनुअली 40 लाख नहीं होता होगा, इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, चाय तो गुड्स होता है ना, तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है जो 20 लाख तक की सर्विस 40 लाख तक का गुड्स बेचते हैं, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उनको अब जीएसटी देना भी नहीं है। अगर तुम उनसे गुड्स खरीदते हो या उनसे सर्विसेज देते हो तो उनकी प्राइसिंग कम होगी, बिकॉज देयर इज नो जीएसटी, समझ में आ रहा है, बिकॉज उनका कोई जीएसटी का सीन है ही नहीं, तो वो तुमको कभी जीएसटी इनवॉइस भी देगा नहीं और प्राइसेस भी लोअर रहेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां हम लोग ये सीखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं कि किनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले इधर एमएमएनटी, एमएमएनटी के लिए लिमिट कितना है, नाम पढ़ो पहले, एमएमएनटी का नाम क्या है, मेघा नहीं आएगा इसमें, मेघा बीच में देखो सेकंड, मेघालय, तुम लोग कुछ भी मत करना यार इधर, मेघालय, ठीक है, मेघालय बीच में आएगा, साइड में नहीं है, साइड में एमएमएनटी में कौन आएगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अच्छा, अगर आप इन 4 स्टेट्स में हो और गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, तो आप चाहे गुड्स में हो चाहे सर्विस में हो, दोनों का लिमिट कितना है, 10 लाख है, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज छोटे स्टेट से यहाँ 10 लाख का भी बेच रहे हो तो बड़ी बात है, तो यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इन 4 स्टेट्स के लिए लिमिट बहुत कम है, तो रीड करेगा ग्रीन कलर पर, ग्रीन कलर, बढ़िया इधर, तो एमएमएनटी के लिए 10 लाख की लिमिट है, चाहे गुड्स हो चाहे
सर्विस हो। बगल में अब कितना स्टेट्स है? चार। अगले पेज पे दो और है, ठीक है मिला। अगले पेज पे दो और है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना। इनके लिए कितने की लिमिट है? रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? इधर ध्यान दो तुम लोग। गुड्स क्या कर रहे हैं यार? अबे तुम लोग से बाहर जाएगा हम बता रहे हैं। अब चुप कर, चुप। इधर ध्यान दो। ये छह स्टेट्स जो हैं, पुडुचेरी से यूटी, बट फॉर हियर इट इज स्टेट। तो ये छह स्टेट्स के लिए गुड्स हो या सर्विस हो, लिमिट कितने का है? 20 लाख। 20 लाख तक बचोगे, 20 लाख के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि ये छह स्टेट्स का नाम प्लीज याद रख लो, ये याद करना पड़ेगा, ये है सिलेबस में याद करना पड़ेगा। तुमको लगेगा कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, एमसीक्यू में पूछ लेगा, एमसीक्यू में बर्बाद कर देगा तुमको, टिक मार दोगे गलत स्टेट गया मार्क्स। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर पीटी, पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है। इनके लिए 20 लाख। अब बाकी जो बचे, बाकी मैं सीधा ऐसा भी तो बोल सकता हूं, उन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचे, जेके, एचपी, आसाम एटसेट्रा, सब मिला के इनके लिए गुड्स है तो और सर्विस है तो 20 लाख। इसके पीछे का लॉजिक पूछ रहे हो? देखो ये, देखो ऐसे एग्जैक्ट परफेक्ट लॉजिक तो कुछ नहीं बोल सकते, बट इट्स अबाउट डेवलपमेंट। मैं जस्ट इन जनरल बोल रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है कि इन इलाकों में डेवलपमेंट कम है, तो इन इलाकों में अगर कोई 10 लाख का भी बिजनेस कर रहा है तो दैट्स अ गुड बिजनेस। दैट इज वाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इसीलिए उस तरह से बनाया गया है कि माना जाता है कि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक कंडीशन कम है। पर मैं बता रहा हूँ ना, स्ट्रिक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है कि स्ट्रिक्टली ये यहाँ पे वो वहां पे, एग्जैक्ट हर जगह हाउ कैन यू कंपेयर टू स्टेट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट बाय एंड लार्ज इट इज बिलीव्ड कि ये चार छोटे स्टेट्स हैं, मतलब कम इनकम है, उनका थोड़ा ज्यादा है, उनका थोड़ा ज्यादा है, उस तरह से वो लिमिट बनाया गया, ठीक है। पर परफेक्शन, ये परफेक्ट लॉजिक नहीं है कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव पिक्ड इट। लेना था तो 7 को एक साथ लेते, जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सबको एक साथ देते, पर वो तो किया नहीं। फिर बिहार को देखो, आपने यहाँ नहीं रखा एटसेट्रा में डाला, तो बिहार की भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम है कि नहीं है? और भी तो स्टेट्स हैं जिनकी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है, पर मतलब एग्जैक्टली परफेक्ट लॉजिक नहीं, बट मोर और लेस द लॉजिक इज लेस डेवलपमेंट, तो लिमिट भी नीचे कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ऊपर कर रहे हैं। अभी देखो एक बार रुको, तुम लोग सब इधर, ये डबल स्टार दिख रहा है आपको? ये उधर कोना में देखो, डबल स्टार दिख रहा है थर्ड बॉक्स में? ये सब जो तुम देखे अभी 10 20 40 का लिमिट, ये इंट्रा स्टेट का बात हो रहा है। अगर इंटर स्टेट है तब हमको आपके लिमिट से मतलब नहीं है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, सबके लिए, सबके लिए। मैं ऊपर करूं उसको? अच्छा, अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम है, हाइलाइटर चला दो इस। एक बार थोड़ा सा मैं तुम लोगों को इसका आइडिया दूंगा। देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब अपने कॉम्पोजिशन स्कीम पूरा एकदम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम पूरा डिटेल में आएगा। यहाँ पे आज बहुत हल्के से में बताया जा रहा है, ध्यान सुनो यार। इनकम टैक्स में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन याद है आपको?
इनकम टैक्स में प्रिजम्प्टिव टैक्स में स्पेशली 44AD, स्पेशली कौन सा 44AD याद है, 2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, कितने तक का 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, तब ना आप बुक्स मेंटेन करो ना आप टैक्स ऑडिट कराओ, आप बस अपना टर्नओवर बता दो, उसका 8% या 6% हम क्या मान लेंगे, डीम्ड पीजीपीपी इनकम, करेक्ट है ना। मतलब आप अपना खाली टर्नओवर बता दो हमको, 2 करोड़ तक के बंदे हो, तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ तक के अंदर है, तो तुम अपना टर्नओवर बता दो। सपोज तुम्हारा टर्नओवर आया 1.2 करोड़ और तुम बोलते हो कि तुम प्रिजम्प्टिव टैक्स फॉलो करोगे, तो प्रिजम्प्टिव टैक्स में क्या होता है, 8% ऑफ योर टर्नओवर, और अगर पक्का में है तो 6% ऑफ द टर्नओवर वो डीम्ड इनकम, और उस पर टैक्स दो। कितना अच्छा है कि नहीं है, छोटे बिजनेसमैन लोग के लिए होता है ये सब, किसके लिए होता है, छोटे बिजनेसमैन के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए ये सब नहीं है कि वो 44AD का फायदा उठा सके। वैसे ही अंडर GST ऑल्सो जो छोटे बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, कितने का बोला 1.5 करोड़, एक बार ढूंढो कहीं 1.5 करोड़ इसमें तो जीएसटी में भी जो छोटे बिजनेसमैन है, ठीक है, छोटे बिजनेसमैन जिनका 1.5 करोड़ तक का है टर्नओवर, ज्यादा नहीं, कितने तक का 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, दे कैन अप्लाई फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, एक बार ध्यान देना, छोटे बिजनेसमैन जिनका 40 लाख या 20 लाख के ऊपर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है परंतु टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, तो उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग एक काम करो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर लो। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है, मैं तुमको तरीका बताता हूं, जीएसटी का जो रेट होता है ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 1%, 5%, जहां मेरे ऊपर 18% है इनके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, 1%, 5% इस टाइप का लगेगा, पर फिर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब आप इतना कम आउटपुट जीएसटी दे रहे हो, तो आपको इनपुट जीएसटी नहीं मिलेगा, फिर भी तो फायदा ही है, मैं सारा इनपुट क्रेडिट ले भी लेता हूं तो भी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता, मैं बता देता हूं, ठीक है, बिकॉज इन माई टाइप ऑफ बिजनेस, कोचिंग बिजनेस, ज्यादा इनपुट सही का, हेलो, मेरे कोचिंग बिजनेस में इनपुट ज्यादा है ही नहीं, देर आर वेरी फ्यू इनपुट्स, और उनका अगर तुम पूरा ITC जोड़ लोगे ना, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो बहुत ज्यादा नहीं आता, तुम लोग का जो आउटपुट जीएसटी आता बहुत ज्यादा आता है मेरे बिजनेस में, मेरे टर्नओवर का अगर तुम इंटू 18 by 118 मारोगे तो इट विल बी अ हैवी फिगर, ठीक है, मैं फिगर्स नहीं बता रहा, मतलब भयंकर फिगर्स आएगा, ठीक है, और कंपेयर टू दैट जो मेरा ITC होता है वो कुछ नहीं होता। कल को सरकार अगर मेरे जैसे को बोल दे आके कि सुनो कल से तुम ना 5% GST देना और ITC मत देना, मैं तुरंत मान जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, बिकॉज माई ITC इज नॉट दैट मच। तो जो ये छोटे बिजनेसमैन है ये भी तो यही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हम लोग को ITC का ड्रामा नहीं चाहिए, हमारा GST कम करो, सरकार बोले जाओ तुमको ITC का कोई ड्रामा नहीं करना, तुमको ITC मिलेगा भी नहीं, तुम्हारा GST कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 1-5% के आसपास। दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। इस स्कीम में जाने वालों की जो फॉर्मेलिटियां होती है ना, फॉर्मेलिटीज, वो भी कम हो जाती है, देयर आर लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, वो भी कम हो जाता है जीएसटी में, ठीक है, नीचे इधर कॉम्पोजिशन स्कीम। इधर बोर्ड पे देखो प्लीज, जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज केवल वो देखो, फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ, तुम पढ़ना मीत, जो सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन टैक्स आ गया। अब नीचे कॉम्पोजिशन में जाने के लिए आपका मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है, इधर देखो कितना लिखा, देखो 1.5 करोड़ दिख रहा है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश है वहां 75 लाख है, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, समझ रहे हो, ये सारे पहाड़ी इलाके, इनमें ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है,
तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट भी छोटी की भी आधा है ना, 1.5 करोड़ का आधा देख 75 लाख। ओके क्लियर सबको। अभी तुम्हें एग्जांपल देखो, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर पे कितना रेट लगेगा देख, 1% जोड़ के देख लेना, 0.5 कितना होता बोल, 1%। रेस्टोरेंट पे कितना होता बोल, 5%। हम छोटे लेवल पे कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत डिटेल में मैंने सिर्फ आज एक बार टॉपिक को टच अपॉन किया ताकि तुम एक बार सीख जाओ कि व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। ये शुरू की क्लासेस में क्या है ना, काफी बड़े बड़े टॉपिक जो है वो छोटे छोटे वर्जन में आते हैं ताकि पहले से दिमाग में चला जाए वो, फिर बाद में उसका पूरा डिटेल चैप्टर तो आएगा ही। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो एक बार इधर, स्कूल में केमिस्ट्री में कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल सुना होगा, आज याद नहीं होगा ये बात और है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में तुमको याद है हम लोग हर एक एलिमेंट का एक साइंटिफिक शॉर्ट फॉर्म था, जैसे आयरन का था Fe, गोल्ड का था Au, याद है ऐसे, फिर उनके एटॉमिक नंबर फलाने ढिमके। ये चीजें जो तुम सीखे थे, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स देयर एटॉमिक नंबर, ये इंडिया का स्टूडेंट और अमेरिका का स्टूडेंट अलग अलग पढ़ता है कि सेम पढ़ता है? ऑब्वियसली सेम पढ़ता है। अगर हम लोग को इंडिया में यहां सिखा रहा जा रहा है कि आयरन का केमिकल नेम Fe है फेरम, तो अमेरिका में भी कोई Fe पढ़ रहा होगा फेरम, ठीक है, सेम है ना, यूनिवर्सल है। वैसे ही GST कोई इंडिया का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, चाणक्य बाबा तो अर्थशास्त्र के अंदर GST लेके आए नहीं थे। GST सबसे पहले कहाँ आया था, फ्रांस में आया था। तो पूरी दुनिया में जहां जहां GST चल रहा है ना, वहां हर गुड्स एंड सर्विस को वो लोग एक पर्टिकुलर कोड नेम दे देते हैं। एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट यू कैन इमेजिन उसको क्या दे देते हैं, एक कोड नेम दे देते हैं, ठीक है, कोड नंबर दे देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है। तो हम लोगों ने भी वही अडॉप्ट किया, हमारे यहां भी वही चलता है जिसको बोलते हैं HSN। बाजू में लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के लिए कौन सा नेम होता है, कोड होता है, बोलो, HSN कोड। गुड्स के लिए कौन सा कोड होता है, मैं गुड्स में हूं क्या तो मेरा HSN नहीं होता, HSN 8-digit कोड है, HSN उधर हाईलाइटर, कितना डिजिट कोड है, 8-digit। HSN का फुल फॉर्म पढ़ो, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वर्ड का मतलब ही होता है नाम देने की प्रक्रिया, जहां सबको एक सिस्टमैटिक नेम दिया जा सके, दैट्स कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो हार्मोनाइज्ड मतलब जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, ओके। अच्छा, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरे को HSN नहीं लगता, मेरे को नीचे वाला लगता है, नीचे वाले का नाम बोलो, SAC सर्विसेस अकाउंटिंग कोड, मेरा SAC कोड देख लो, 999293। ये मेरा क्या मतलब, सारे कोचिंग टीचर लोग का है, ठीक है। इधर मैं कुछ अब समझाना चाहता हूं, तुम लोग हाईलाइट वाइलाइट कर लिए क्या, ठीक है, अभी इधर गौर करो, ये नंबर देखो, जो पहला दो नंबर है ना 99, दैट इज फॉर सर्विसेज, दैट इज फॉर, तो इसीलिए मेरा कोड भी चालू 99 से होगा। फिर इसके बाद में जो दो नंबर है क्या है, 92, समझ रहेगा बात को, ये 99 मतलब होता है सर्विसेज है, 99 के आगे जब आप 92 डाल देते हो ना, 99 के बाद जब आप 92 डाल देते हो तो पूरा क्या बन जाता है, 999 999 इज फॉर एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये एक्चुअली नेमिंग कैसे होता है, नेमिंग ड्रिल डाउन मेथड से होता है। ड्रिल डाउन मतलब आई एम अ कोचिंग टीचर, पर तुम अगर ड्रिल डाउन करोगे तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विसेज के अंदर मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, एजुकेशन के अंदर मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, कमर्शियल कोचिंग, ठीक है। तो 999 999293 उस तरह से, ठीक है। तो पहला जो 99 है दैट इंडिकेट्स कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, फिर उसके बाद जैसे आप 92 लिख देते हो तो मतलब हो गया 999, यानी मैं एजुकेशनल सर्विस में हूँ। और उसके बाद अगर आपने ये लगा दिया ना तो इसका मतलब है मैं कोचिंग सर्विस में, तो मेरा SSC कोड क्या, 999293, दैट इज माई SSC कोड। अब यार ये हो गया, समझ में आ रहा है बात तुमको, ठीक है, अब ये बात सुनो, वाई डू यू नीड दिस रिटर्न फाइलिंग।
मैं जो भी रिटर्न फाइलिंग करता हूँ जीएसटी में, जो जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है हर महीने की अगले महीने की 20 तारीख को, जो भी जीएसटी पेमेंट करता हूं, जो भी रिटर्न जमा करता हूं, उसमें मेरे को क्या कोट करना पड़ेगा? अपना एसएससी कोड मेरे को बताना पड़ेगा। समझ रहे हो कि मैं किस कैटेगरी का सर्विस दे रहा हूं? ये बात समझ में आ रही है? व्हाई डू यू नीड दिस फॉर डिटरमाइनिंग द रेट एप्लीकेबल टू मी? मेरा रेट 18% है ना, कैसे पता चला? 999293 के सामने लिखा हुआ है। ओके, मेरा रेट 18% है जीएसटी का, कैसे पता चला मुझे? 999293 का जो कोड है उसके सामने बताया हुआ है। तो दिस कोड इज हेल्पफुल टू मी इन टू वेज। नंबर वन, इट टेल्स मी एग्जैक्टली व्हाट इज द जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन मी, एंड सेकंड, आई हैव टू कोट दिस कोड एवरी टाइम आई फाइल ए जीएसटी रिटर्न। क्लियर है? तो ये एसएससी 6 डिजिट का होता है और गुड्स वाला एचएसएन 8 डिजिट का होता है। आर यू क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जैसे उमंग है, ठीक है, उमंग बिल भेजा मेरे को, तो उमंग भी तो मेरे लिए जॉब वर्क किया, सर्विस प्रोवाइड किया। उमंग मैट प्रिंट करता है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए मैट प्रिंटिंग का जो काम कर रहा है, इट्स कॉल्ड जॉब वर्क, सर्विसेज माना जाता है उसको। ठीक है, तो उमंग का भी एक एसएससी कोड है, उसका भी इसी तरह का कुछ है, 99 समथिंग करके 6 डिजिट का। ठीक है, तो अभी एचएसएन और एसएससी क्लियर है? टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। गुड, एसएससी का बोलो, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ऊपर कर दे। क्लियर है? अब नेक्स्ट, ये एक हल्का टॉपिक आया है, पर इसमें मेरे को एक बहुत अच्छी चीज पढ़ानी है, उठा हाईलाइटर। इजी है, बात कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं तुमको समझा रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना। तुम लोग एक शब्द ऑब्जर्व करोगे यहां पे, दिखा सबको, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। इस वर्ड का मतलब क्या है? The rate of GST at which समझाऊंगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्या नाम लिखा है बॉक्स के अंदर पढ़ो तो, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। मेरी बात को एक बार समझो, जीएसटी जब आ रहा था तो सरकार को सबसे बड़ा डर क्या था? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डर था कि कहीं उनका रेवेन्यू कम नहीं हो जाए। रेवेन्यू मतलब तुम्हारा नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। हूज रेवेन्यू आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, गवर्नमेंट्स रेवेन्यू मैंने लिखा होगा। जो हमारे लिए टैक्स बर्डन है गवर्नमेंट के लिए, वो क्या है? रेवेन्यू है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अभी
पेट्रोल के प्राइसेस कंपैरिजन मैंने देख रहा था, इंडिया में पेट्रोल का भाव 80 रुपया चल रहा है, 80 रुपीस के आसपास अभी चल रहा है पेट्रोल का भाव, और बढ़ता ही रहता है, कम होता है थोड़ा सा, बढ़ता जाता है, जबकि अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले पूरे जोन में सबसे कम पेट्रोल का रेट है पाकिस्तान में, 57-58 रुपीस चलता है वहाँ, 20 रुपये का फर्क है एकदम साफ तौर पर। ठीक है, अपने यहाँ इतना ज़्यादा कैसे, पेट्रोल की कीमत 40 रुपये है और उस पर फिर टैक्सेस जोड़ के 80 रुपये हो जाती है, मतलब जो 80 रुपया पर लीटर आप दे रहे हो पेट्रोल का, उसमें 40 रुपया तो टैक्स ही है। गाड़ी का नहीं बताया था मैंने पिछले दिन क्या हालत है, हाँ 28% प्लस 20% 40% जीएसटी, 48% 28 प्लस 20 कितना 48% हो गया। तो अपने यहाँ ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हाई हैं कि कमोडिटीज के दाम ज़्यादा हैं, लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी तो है, इतना ज़्यादा टैक्स होने से सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए तो सरकार नया नया स्कीम्स लेके आ पा रहा है और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो रहा है। तुम पाकिस्तान की अगर बात करो, वहाँ की इकोनॉमी अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है, पूरी खोखली, इतना कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको आके ये न्यूज़ में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर 1% लोग केवल टैक्स देते हैं, 1% लोग, और उससे पाकिस्तान गवर्नमेंट चल नहीं पा रहा है। तो वहाँ का पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पूरा गिर रखा है, एकदम खाली हो रखा है, दैट्स बिकॉज देयर रेवेन्यू कलेक्शन इज वेरी लिटिल, यू गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन बहुत हाई है। अब भारत सरकार का सबसे बड़ा डर क्या था कि यार नया टैक्स देके आ रहे हैं, पर नया टैक्स से हमारा रेवेन्यू, उनका रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए, तो बढ़ना भी नहीं तो कम भी नहीं होना चाहिए, बराबर तो कम से कम रह जाए, तो कितना रेट रखें, तो कितना रेट रखें, ये था। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट साइड ऑफ द स्टोरी, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, यू नो दैट इनकम टैक्स इज वेरी हाई, तुमको इनकम टैक्स रेट तो तुम अच्छी तरह जानते हो, तुमको पूरा स्लैब रट्टा होगा, 30% मोटा मोटी, 30% इज द इनकम टैक्स का रेट। इतना हाई इनकम टैक्स का रेट क्यों है, बिकॉज बहुत सारे लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं। सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट एकदम टाइट हो जाए और हर इंसान का, हर बिजनेसमैन का रिटर्न पूरा एकदम चेक करने पे उतर के आ जाए, तो जितने लोग भी टैक्स चोरी कर रहे हैं सब पकड़ में आएगा, सब जमा होगा। जब ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में कवर हो जाएंगे और ज्यादा टैक्स जमा होगा, तो ओवरऑल टैक्स रेट तो कम होगा कि नहीं होगा, तब तो सरकार को रेवेन्यू ऐसे ही ज्यादा मिलने लग जाएगा, तब वो लोग दे विल बी इन अ पोजीशन टू कट डाउन द टैक्स रेट्स। जैसे कंपनियों का 25% किया कि नहीं किया, किया ना, अभी ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन हुआ था तो 22% किया था ना रेट वहां पे भी। तो अगर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में ज्यादा लोग कवर हो जाए तो टैक्स रेट कम होगा। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जीएसटी का ब्रैकेट बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, जीएसटी का ब्रैकेट, मतलब जीएसटी टैक्स पेयर्स, आई एम अ जीएसटी टैक्स पेयर, अगर जीएसटी टैक्स पेयर्स का ब्रैकेट बड़ा कर दिया जाए तो रेट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसी को बोलता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज द रेट जहां पर गवर्नमेंट का बिफोर जीएसटी रेवेन्यू और जो आफ्टर जीएसटी रेवेन्यू है वो एकदम सेम रहता है। ठीक है, वॉट इज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, मतलब कि जीएसटी के आने से भी सरकार के रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा, ना बढ़ेगा न कम होएगा, रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा। तो 2017 के पहले सरकार को जो रेवेन्यू था और 2017 के बाद जो जीएसटी का रेवेन्यू, मतलब टैक्स रेवेन्यू, वो न्यूट्रल रहेगा, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अच्छा, ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट गवर्नमेंट को हाई रखना चाहिए कि लो रखना चाहिए, लो, जितना ज्यादा कम रखोगे टैक्स रेट उतना सबके लिए, हम लोग सबके लिए अच्छा रहेगा। तो इसको कम अगर रखना है तो ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए जो टैक्स दें, यानी एग्जेम्पशंस कम करो, एग्जेम्पशंस कम करो। पहले देर वर 600 कैटेगरीज ऑफ एग्जेम्पशंस इन द ओल्ड टैक्स, कितने एग्जेम्पशंस थे, और अभी नया रेजीम के अंदर गुड्स और सर्विस मिला के 240 है। तो पहले 600 तरह कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड थे, अब कितने एग्जेम्प्टेड है, 240। तो जो 360 पहले एग्जेम्प्टेड थे वो अब कवर्ड हो गए, तो उनसे टैक्स कलेक्शन आएगा, तो टैक्स ब्रैकेट बड़ा हो गया कि नहीं, तो रेट इससे क्या होगा, कम होगा। तो गवर्नमेंट वांट्स कि रेवेन्यू रेट थोड़ा कम हो जाए, ये इसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। न्यूट्रल रेट मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना बढ़ेगा ना कम होगा जीएसटी के आने से। ठीक है, हालांकि बढ़ ही रहे, यहां तक क्लियर है। जीएसटी के अंदर सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप है ना,
वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के अंदर सबसे बड़ा लॉलीपॉप, मतलब कि गवर्नमेंट ने दिखा दिया ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, और लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के खातिर जीएसटी देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो मेनी पीपल दे रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर जीएसटी। ऊपर करें अदर पॉइंट्स। अच्छा, अभी अदर पॉइंट्स में ना छोटा छोटा पॉइंट्स आएगा जो बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस पर विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, सबसे पहले जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स बार बार बढ़ते ही जा रहा है, तो वो कम हो जाता है। कई जगह पे डबल टैक्स लगता था, वो भी हट जाएगा। दो तीन अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे, उसके बाद अब सिंगल एक ही टैक्स लगेगा। इन्होंने नारा दे रखा है ना अपना, हाँ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ई वे बिल पे लिखा जाता है, एक जीएसटी का ई वे बिल आता है जो मेरे पास कल ही आया था, मतलब मुझे पेमेंट करना था एक जन को, तो जो ई वे बिल आया था जीएसटी का, 1 लाख के ऊपर की अगर कोई मेरे को गुड्स या सर्विस देता है तो उसमें ई वे जीएसटी बिल लगता है। तो जीएसटी के बिल में बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, वन लिख के ऐसे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ई वे बिल के फॉर्मेट में बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटेशन, पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, सबके कंप्यूट करने का स्टाइल अलग था, प्रोसीजर अलग था, अब सबका कंप्यूटेशन एक ही तरीके से, एक ही टैक्स आ गया है। रिवर्स चार्ज आज भी है, ये थोड़ा सा मुझे एक बार भी समझाने के लिए कॉपी में जाना पड़ेगा, इट्स अ गुड थिंग। कॉपी में ओके ओके है सबको, ओके है सबको, इतना लिखा सबने। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार रुक जाओ 2 मिनट, लिखना हो गया। बोलो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? NCM नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, और उधर क्या लिखा है? RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये चीजें क्या होती हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, कानून के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के दांव पेच होते हैं, ठीक है। कानून के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, दांव पेच होते हैं, ट्रिक्स होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उन हर एक दांव पेच को एक फैंसी नाम दे देती है। इससे फायदा क्या होता है, लोगों के लिए बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डीमिंग फिक्शन। क्या बोलते हैं? डीमिंग फिक्शन, ये नाम है बस। कोई तुमसे सपोज आके पूछ लिया ये डीमिंग फिक्शन क्या होता है, डीमिंग स्पेलिंग समझ में आ रहा है क्या? DEMING डीमिंग फिक्शन, वही FICTION। तुमसे कोई आके पूछा भाई डीमिंग फिक्शन क्या होता है, तुम बोलोगे सुनो एकदम सिंपल। लॉ में कई बार देखे नहीं, बहुत सारा चीज होता नहीं पर हम लोग डीम कर लेते हैं, डीम्ड टू बी सो एंड सो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो जितने भी लॉ के अंदर ऐसे कानून में प्रोविजन आते हैं जहां पे बोलता है समथिंग इज डीम्ड टू बी सो एंड सो, दैट्स कॉल्ड अ डीमिंग फिक्शन। एन एग्जांपल इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स का सिंबॉलिक डिलीवरी, गुड्स का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
अगर लॉरी वाला तुमको रास्ते से फोन करके बता दे कि तुम्हारा सामान वो रास्ते में लेके आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डीम डिलीवरी. डिलीवरी हुआ है वो तो रास्ते में भी, बट इट इज डीम्ड एज कि हो गया ना, दैट्स अ डीमिंग फिक्शन. तो तुमसे कोई पूछा डीमिंग फिक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई आके पूछा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमिंग फिक्शन, तुम सीधा बोलोगे इन लॉ देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस वेयर थिंग्स डोंट हैपन एक्चुअली बट दे आर डीम्ड टू हैपन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीमिंग फिक्शन कहते हैं. ठीक है, या फिर उसका और एक नाम है, बोलो क्या, लीगल फिक्शन. क्या नाम है उसका, लीगल फिक्शन या डीमिंग फिक्शन. वैसे ही इन्होंने यहां पे एक जबरदस्त नाम दे दिया और वो नाम ये है, बहुत फेमस नाम है ये, रिवर्स चार्ज, बहुत ही फेमस नाम है. ठीक है, तो रिवर्स तो तब समझेंगे जब नॉर्मल समझें. एक्चुअली नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोले कुछ होता नहीं है, उससे कंपेयर करने के लिए इसका एक नाम रख दिया, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं इधर देखने का एक बार. ठीक है, तो सपोज ये सर्विस प्रोवाइडर और ये सर्विस रेसिपिएंट को अपने कस्टमर बोलते हैं ना, लिख रहे हो ना, संग संग लिख लो. अच्छा, मेरा तुम्हारा एग्जांपल चलेगा. ठीक है, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर एंड यू पीपल आर कस्टमर, करेक्ट? तो ठीक है, अभी सुनने का, हु इज द पेयर. ठीक है, तुम पेमेंट किया तो यू आर द पेयर, आई एम पेई. पहले इसमें प्लीज मेरा तुम्हारा एग्जाम्पल लेके सोचोगे, एकदम इजी लगेगा. ठीक है, मेरे तुम्हारे एग्जाम्पल में मैं लेफ्ट साइड में हूं, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, आई एम द पेई, आई रिसीव मनी फ्रॉम यू, यू आर द पेयर, यू आर द कस्टमर. ओके, हमको मैं ही जवाब दूंगा, तुमको जवाब नहीं देने का, तुम खाली बस सुनो. रेटोरिक्स, जीएसटी का बर्डन. अच्छा, अब मेरा वाला जो लॉजिक जो मैंने दिया था, मेरे मन की भावनाएं साइड, किताब की बात करेंगे. जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स में यही बोलते हैं कि बोझ मेरे ऊपर तो आ नहीं रहा, किस पे आ रहा है, कस्टमर पे, जो कि है तो झूठ ही. ठीक है, पर यही है कानून में नियम, कानून में ये बोलते हैं कि बर्डन तुम पे आ रहा है. ओके, करेक्ट. नाउ अल्टीमेटली जो 18% जीएसटी है बोलने के लिए, वो तो मैं कस्टमर से ही ले रहा हूं ना, तुम्हारे बिल पे ही लिखा हुआ था कि मेरे सर्विसेज की वैल्यू इतनी है, 9 एक अजीब सा नंबर होगा, फिर उसमें जीएसटी जोड़ जाड़ के होल नंबर निकला होगा. तो इट इज ऑलवेज सेड दैट जीएसटी का बर्डन किस पे सर पे आ रहा है, कस्टमर. जीएसटी का बर्डन किसके सर पे है, कस्टमर. ठीक है ना, जीएसटी बर्डन किसके सर पे, जीएसटी का बर्डन कस्टमर. लेकिन सरकार तक जीएसटी पहुंचाने का बर्डन किस पे है, सर्विस प्रोवाइडर. क्या सरकार तक जीएसटी तुम पहुंचाते हो कि मैं पहुंचाता हूं, मैं पहुंचाता हूं. तुम्हारा जो फीस पे जीएसटी आ रहा है, हु पेज इट टू गवर्नमेंट, आई पेड टू गवर्नमेंट. तो बोलते हैं जीएसटी का चार्ज उस पे आ रहा है. चार्ज मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू गवर्नमेंट. चार्ज मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट. ये ड्रॉ हो गया सबका. अरे नीचे की तरफ लिख ले, सब पूछ पूछ क्या कर रहा है सच्ची में ना. ओके
ओके है, तो जीएसटी का बर्डन किस पे आ रहा है? कस्टमर पे, क्योंकि 18% तुम्हारे ही जेब से निकल रहा है, इनवॉइस में जोड़ा हुआ है तुम्हारी, तुम ही दे रहे हो। लेकिन जीएसटी का जो चार्ज है, चार्ज मतलब होता है सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी, वो किसकी? वो मेरी है। ऐसा क्यों कि बर्डन तो तुम पर जमा करने का जिम्मेदारी मेरा, बिकॉज क्या, तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग का जो अमाउंट है बहुत छोटा छोटा है, सरकार तुमको ट्रैक नहीं कर सकती, पर मुझको ट्रैक कर सकती कि नहीं आराम से? विल गवर्नमेंट बी एबल टू ट्रैक ईच वन ऑफ यू? कोई नहीं कर पाएगा तुमको ट्रैक, मेरे को तो सीधा ट्रैक कर लेगा। अच्छा चलो, मेरा एग्जाम्पल तो छोटा था, लेट मी गिव यू अ बिग एग्जाम्पल। ब्रिटानिया का बिस्कुट सबको ही खा रहा है, तुम्हारे घरों में न जाने कितने कितने कंपनियों का सामान आ रहा है। ब्रिटानिया कंपनी को तो सरकार पकड़ सकती जाके, पर ब्रिटानिया के बिस्कुट खाने वाले हर एक आदमी को गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगा क्या कि तुम एक रुपया दिया नहीं था, डेढ़ रुपया बाकी तुम्हारा उस दिन का, तुम बिस्कुट खाए थे, सपोज तुम्हें गुड्डे का पैकेट खरीद के खाए, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, गुड्डे का पैकेट तुम खरीद के खाए, गुड्डे कितने का होगा, सपोज 20 रुपए का, तो उसमें 2 रुपया जीएसटी लेट से, तो सरकार क्या एक एक गुड्डे के बिस्कुट के पैकेट के पीछे घूमेगी, 2 रुपया दो दो, 2 रुपया दे दो, तो ब्रिटानिया को पकड़ सकते हैं, ब्रिटानिया के कस्टमर्स को पकड़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पैसा दे रहा है कस्टमर, लेकिन सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो ब्रिटानिया की है। ब्रिटानिया मतलब ये गुड्स बेचने वाला, गुड्स मैन्युफैक्चरर, करेक्ट है? तो बर्डन तुम पर, चार्ज किसी और पे, ये हुआ नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं अपने? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है? बर्डन कस्टमर पे, लेकिन चार्ज प्रोवाइडर पे, मैन्युफैक्चरर पे, वो देगा गवर्नमेंट को। अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है देखने का, हाँ ये काम करते हैं इसमें, हाँ ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हाँ ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सपोज आप इंडिया में हो और आपने बाहर के किसी व्यक्ति से सर्विसेज इंपोर्ट किया है, यू हैव इंपोर्टेड सर्विसेज, ओके। अब सोचो, हु इज द कस्टमर ओवर हियर? इंडिया। हु इज द पेयर ओवर हियर? इंडिया। यहां पर इन सच अ केस, बर्डन भी तुम्हारे ऊपर, चार्ज भी तुम्हारे ऊपर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हाँ ये कॉन्सेप्ट में बहुत एग्जाम्पल्स है अलग अलग, ये जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल है। अब तुम ही सोचो, भारत सरकार बाहर वाले सिंगापुरिया को जाके पकड़ पाएगी क्या? पॉसिबल है भारत सरकार के लिए किसी विदेशी को जाके पकड़ देना? तो जमा करने का भी ड्यूटी उसी पर डाल दिया जिसके सर पर बर्डन है। तो when the burden and the charge are both on the same person, that's called reverse charge. मेरी बात समझ रहे हो? देखो, भारत सरकार मुझे ट्रैक कर सकती है, भारत सरकार किसी विदेशी गोरे को ट्रैक कर पाएगी क्या? विदेशी गोरे से जाके पैसा वैसा कुछ ले पाएगी क्या? तो बोला तुम ही दे रहे हो टैक्स, तो तुम ही जमा भी करो टैक्स, that's called reverse charge. ये डायग्राम एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देख लो इधर, चार्ज एंड द बर्डन बोथ आर ऑन द पेयर, कस्टमर, जो पेयर है उसी पे दोनों बर्डन, बर्डन भी तेरा, चार्ज भी तेरा, तुम ही जमा कर सरकार के पास, वो नहीं करेगा बिकॉज उसको सरकार पकड़ नहीं सकती। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ये तो इम्पोर्ट था, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो GTA, सरकार ना ये ट्रांसपोर्टर लोग से बहुत डरती है। इनकम टैक्स में भी तुमको याद होगा,
ट्रांसपोर्टर लोग के लिए अलग से बनाया हुआ 44AE याद है कि नहीं है? अरे अपने इनकम टैक्स प्रेजम्प्टिव टैक्स का जो पूरा तीन प्रजाति उसमें एक 44AE पैदा होता है ना, अप्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। अगर आपके पास 10 ट्रक तक है तो डिपेंडिंग ऑन कि वो 12 टन के ऊपर का ट्रक है कि नीचे है, रेट बताया हुआ है कि नहीं? 12 टन के ऊपर तो 1000 रुपया पर टन पर मंथ, और 12 टन के नीचे है तो 7500 रुपया पर मंथ। क्योंकि सरकार को मालूम है ये ट्रांसपोर्टर लोग को ट्रैक कर पाना एकदम मुश्किल है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर ना लॉरी वाले गुड्स चलाने वाले बोले इनको ट्रैक कर पाना एकदम मुश्किल है। तो इनसे भी अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सर जीएसटी का बर्डन भी आप पे और जीएसटी सरकार के पास जमा करने का चार्ज भी आप ही पे, दैट्स कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? इधर देखो, एकदम जस्ट डू अ सिंपल कंपैरिजन, एकदम तुमको हाथों समझ में आएगा। देखो पहले वाले डायग्राम में क्या देख रहे हो, पेयर पे जीएसटी का बोझ है लेकिन चार्ज किस पे, पेई पे। उस तरफ क्या है, पेयर है ना उधर कस्टमर, पेयर के ऊपर ही दोनों बोझ है, पेई के ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो पेयर होता है बर्डन भी उसका चार्ज भी उसका, मतलब वही जमा करेगा सरकार के पास। क्लियर है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पूरी लिस्ट होती है, बहुत लंबी, वो बाद में आएगा डिटेल में, अभी जस्ट एक इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो आज से ये सब नाम थोड़ा याद करो। तो RCM बोलने का मतलब क्या है, और NCM एक्चुअली कुछ होता नहीं, बस वो कंपेयर करने के लिए बोलते हैं। NCM मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। आर वी ओके? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आएगा। जीएसटी सप्लाई पे होता है एंड टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा कि टैक्स कब देना है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है उसी से टैक्स डिटरमाइन होता है, तो ये बाद में आएगा डिटेल में। प्रोसीजरल पार्ट इजी है, पहले अलग अलग टैक्सेस में बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर थे, अभी सिंपल प्रोसीजर है जीएसटी का, एक यूनिफाइड सिंगल प्रोसीजर है। अच्छा, तुम लोग में से कई जन को ऐसा लग रहा होगा शायद कि जब मैं जो इंट्रा स्टेट करते वक्त 9% CGST 9% SGST देता हूँ, तो तुम लोग में से कई जन को ये लगता होगा कि 9% अलग अलग दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, वो जब पेमेंट होता है वो एक ही वेबसाइट है जीएसटी का वेबसाइट, उसी में 9% एक साथ दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर लोग बदमाशी कर लेंगे। सपोज कोई स्टेट गवर्नमेंट को तो 9 दे दिया पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 9 अभी तक दिया ही नहीं, तो वो एक ही साथ होता है 18 जमा, बस एंट्री अलग अलग डाल देते तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से अलग अलग अकाउंट में चला जाएगा, पर हम लोग को देते तो एक साथ देना पड़ता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम CG का 9% दे दिया, SG को बोल दिया ठेंगा लो, इट्स नॉट पॉसिबल, वो एक ही साथ जमा होता है। क्लियर? नंबर ऑफ टैक्सेस कम हो गए हैं, मतलब वेराइटी कम हो गई, लॉ सिंप्लीफाइड हो गया, दो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई, इन्होंने क्या किया, पहले टैक्स होता था सेल्स पे, मैन्युफैक्चर पे, ये सब वर्ड हटा दिए, बोला सप्लाई, बिकॉज सप्लाई इज अ ब्रॉड वर्ड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर सुनो, इधर एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। सेल और सप्लाई, ऐसे तो सप्लाई में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा बोल रहा हूं। जब मैं पैसा लेता हूं कोई सर्विस का तो वो सेल कहलाता है, अगर मैं बिना पैसा के कोई सर्विस दे रहा हूं तो वो सेल कहलाएगा क्या? नहीं। पर वो सप्लाई कहलाएगा क्या? हाँ। समझ में आ रहा है? तो सप्लाई इज अ ब्रॉडर वर्ड देन सेल। अच्छा, बार्टर सुनो, बार्टर, बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज। इज बार्टर सेल? क्योंकि सेल इज फॉर मनी, बट इज बार्टर अ टाइप ऑफ सप्लाई? यस, इट इज अ टाइप ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है? सप्लाई है। तो इस पर तो भयंकर चर्चा है ही लेटर। ये सब क्लियर जा रहा है? रेट्स पहले बता दिया था, आउट। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी अब कहीं ना कहीं समझ चुके हो, वो सिंपल है। ठीक है, नो मल्टीपल टैक्सेस, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो डबल टैक्सेशन, यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स लॉस, सारे टैक्स लॉस में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ गया, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, इससे सरकार का रेवेन्यू उल्टे बढ़ गया है। देखो, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तो बोलने की बात थी, सरकार का मकसद तो बेसिकली अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना था कि नहीं था? वो जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल तो हम लोग को दिखाने के लिए,
ठीक है, तुमने देखा होगा ये, मैं तुमको, तुम लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं सुने हो उस चीज को, डीमोनेटाइजेशन के पहले की बात है ये, इट इज बिफोर डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तुम लोग को याद होगा, तुम्हारे घर में डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है, 2016 के एंड में आया था। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन उसके भी पहले की बात कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ओके, सरकार चेंज हो गई, सब कुछ, बहुमत से जीत के आया 2014 में फर्स्ट इलेक्शन। तो आते ही उन्होंने ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे, तगड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिससे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस सेक्टर कंप्लेन कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, तो बीजेपी ने इलेक्शन में मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस वाले चोर हैं, तभी महंगाई बढ़ी है, तो हम लोग आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट दे सेड। एंड इनफैक्ट 2014 के पहले, इलेक्शंस के पहले जो इंटरव्यू आता था प्राइम मिनिस्टर का, तो उससे भी वो लोग उससे पूछते थे इंटरव्यूअर कि मतलब ऐसा आप क्या कर दोगे मैजिक वॉन्ड घुमा के कि महंगाई खत्म हो जाएगा। तो वो एग्जांपल्स में कुछ पॉइंट्स बोल देते थे, जैसे आई विल गिव यू वन पॉइंट व्हिच ही यूज्ड टू से इन हिज इंटरव्यू, यूट्यूब पे तुमको सारा इंटरव्यू मिलेगा उनका। वो इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तुम लोग FCI जानते हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राशन का दुकान सुने हो, मतलब अलग अलग इलाकों में ना, थोड़े गरीब इलाकों में राशन की दुकानें होती हैं, राशन शॉप्स, जहाँ पे सस्ते में अनाज वगैरह मिलता है, ठीक है, टू पुअर पीपल, रेट बहुत कम होता है। तो ये सारा जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके हाथ में, FCI के हाथ में। FCI का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी कुछ खबरें फैली हुई थी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सामान वहां पे सड़ जाता है, पड़ा पड़ा अनाज सड़ जाता है, पर जनता तक पहुंचता नहीं, इससे और महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को एग्जांपल लेके नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उस समय जब इलेक्शन जीता भी नहीं था, उसके पहले का बात है, कि बहुत छोटी छोटी चेंजेस करने, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये बात प्राइम द ही इज सेइंग, ओके, ही इज सेइंग टू द न्यूज रिपोर्टर कि जैसे FCI जब माल भेजता है रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, तो होना ये चाहिए कि रेलवे शुड गिव प्रायोरिटी टू FCI बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स आर, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, पेरिशेबल टाइप का होता है, तो पहले उसको पहुंचाओ। पर रेलवे ये काम नहीं करता, रेलवे पहले आयरन लोहा लकड़ को पहले पहुंचाता है, इसको बाद में पहुंचाता है। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस है जो मैं करूंगा आते ही, और देखना सब ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो आ गए, फाइनली वो जीत गया। अब इन्फ्लेशन तो कम होने का नाम ले ही नहीं रहा, न तब न आज, 2020 चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन तो कम हो ही नहीं रहा, ये बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन के पीछे कोई प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहा है, बट बात ऐसी है कि उनको बार बार इंटरव्यूअर, वही इंटरव्यूअर जो इलेक्शन के पहले लिए थे, बाद में वापस आके आप तो बोले थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ये सब कड़वी गोली है, मतलब जैसे दवाई, जैसे बीमारी घुटी करने के लिए डॉक्टर कड़वा मेडिसिन देता है ना, वैसे हम लोग भी कड़वा मेडिसिन लाए, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भाई मेडिसिन नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ, मतलब तुम खुद देखो, मतलब तुम देखो कितना स्मार्ट तरह से एक चीज को कवर अप किया जाता है, ये बोल के कि ये तो कड़वा मेडिसिन है, इससे बाद में आके सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो चीज एक्चुअली तुम्हारा बांस है, उसको बांस, मतलब कैसे बोलूं मैं, एग्जाम्स आर द कड़वा मेडिसिन फॉर यू, ठीक है, इसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम बन जाओ सीए, तुम्हारा लाइफ जन्नत हो जाएगा। देखो काम ही नहीं करना पड़ेगा, मैं काम ही नहीं करता, तेरे मस्ती में रहता था ना, ऐसा बोला था ना वैसे ही। तो दैट इज व्हाट ही सेड एट दैट टाइम आल्सो, ओके। अब गवर्नमेंट बोलता बहुत कुछ है, मतलब पब्लिक के सामने प्रोपेगेंडा में बोलता बहुत कुछ है, बैकग्राउंड में कुछ और ही होता है। अब जब डीमोनेटाइजेशन आया, तो डीमोनेटाइजेशन भी तो ऐसा ही हुआ, बोला क्या गया, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, फलाना मनी, ढिमका मनी। और बाद में RBI क्या बोला, 99.99% एक्सचेंज हो गया था, 99% करेंसी गॉट एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट मैंने एक वर्ड सिखाया था, रेवेन्यू न्यूट्रल, क्या मकता था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का, कि भाई कम से कम हम लोग चाहते, सरकार चाहती है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कम हो जाए, ताकि लोगों को कम टैक्स देना पड़े। पर GST कभी भी कम था ही नहीं, GST के पहले के जो रेट्स थे उससे GST आगे ही है, ज्यादा ही है। एज आई सेड, सर्विस टैक्स पहले कितना था, 15, और GST स्टार्टिंग ही किससे हुआ मेरा, 18। तो कम तो कभी हुआ ही नहीं, तो ये तो बोलने की बातें थी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सच्चाई सामने आ गया, बॉयंसी इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, बॉयंसी मतलब बढ़ जाना, तो भारत सरकार का रेवेन्यू घटा कि बढ़ा,
बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट बूस्ट। अच्छा और एक चीज, जैसे जब जीएसटी आया तो इस तरह का भी हल्ला मचा था कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को बहुत फायदा होगा बिकॉज जीएसटी है, तो पीपल विल हायर मोर सीएस फॉर लीगल कंप्लायंस दिस दैट। तो अब क्या हो गया, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टैग्नेट क्यों कर गया? बढ़ना चाहिए था प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन बढ़ता तो पासिंग परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ता बिकॉज इंस्टीट्यूट को निकालना पड़ता, पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है, पासिंग परसेंटेज और डाउन जा रहा है। मेक इन इंडिया इनका इनिशिएटिव है, इसको भी फायदा मिलेगा। ओके ज्ञान, दिस वन, नाउ दिस इज अ टेक्निकल टॉपिक। ये देखो इसके बाद ना क्वेश्चन आंसर्स है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाऊंगा मैं। ठीक है, टोटल कितने तरह के जीएसटी बोर्ड पे? चार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूडीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये जो अपना आईजीएसटी है ना, ये सबसे अच्छा है। ब्लड ग्रुप तुमको पता ना, चार तरह का अपना ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ए बी और ओ। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितने जन का ओ ग्रुप है भाई? मेरा भी ओ ही ग्रुप है। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? वो सबसे ले सकता है। ठीक है, पर वो दे नहीं सकता। तो इधर आईजीएसटी जो है ना, क्या बोले इसका, तो इधर ध्यान दो। अब आईजीएसटी जो है ना, वो किसी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, सबसे बेस्ट है, एकदम जनरल ओपन। ठीक है, यहां लिख दो ऐसे, ओपन फॉर एडजस्टमेंट। बाकी वाले जो है ना ऊपर के तीन, वो इतने ओपन फॉर एडजस्टमेंट नहीं है, वो पहले अपनी कैटेगरी के साथ ही होते हैं या फिर आईजीएसटी के साथ होते हैं, और किसी के साथ नहीं होते। ठीक है, अब ये पूरे टॉपिक का रेलेवेंस क्या होगा मैं बताता हूं। इधर लेफ्ट वाले के ऊपर लिखो, ओके है, क्या हुआ? ध्यान देने का प्लीज, प्लीज ध्यान दो एक बार। अब जैसे अब हम लोग थोड़ा आईटीसी के बारे में सीखने को जा रहे हैं, इट्स अ नाइस टेक्निकल टॉपिक। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मैं गुड्स या सर्विसेज खरीदता हूं फॉर डूइंग बिजनेस, दैट्स कॉल्ड इनपुट्स फॉर मी, तो उसके ऊपर जो जीएसटी मैं देता हूं उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, फिर जो मैं आउटपुट्स तुम लोग को देता हूं, आउटपुट सर्विसेज, उस पर मेरा जीएसटी है, वो हुआ आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का मेरे को आउटपुट टैक्स पेमेंट करते वक्त सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेरी सिंपल, एक बार लेट मी हैव एन एग्जांपल। सपोज एक बार सुनो, इस महीने का, करंट मंथ का, सपोज करंट मंथ का मेरा आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ रहा है 2 लाख, मेरा आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ रहा है 2 लाख, और मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 50,000 का, 50,000, तो मुझे कितना पेमेंट करना है? 1.5 लाख। ये तो समझ में आता है? ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल जितना दिख रहा है, क्योंकि जो 2 लाख का टैक्स है मेरा, उसमें सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, वो देखना पड़ेगा। वैसे ही जो मेरे पास इनपुट टैक्स का 50,000 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है, उसमें सीजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, देखना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आई हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट,
But they are broken down into so many parts. CGST, SGST, UTSG, IGST. तो किसका किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है? CGST का जो इनपुट क्रेडिट है, डोंट हाईलाइट. CGST का जो इनपुट क्रेडिट पड़ा है, ये तीन जो दिख रहे हैं ना तुमको, ये क्लोज्ड है. मतलब ये खाली अपनी कैटेगरी वाले के साथ ही सेट ऑफ होते हैं या IGST के साथ. तो अगर आपके पास CGST का इनपुट क्रेडिट पड़ा है और आपको आउटपुट में SGST देना है तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा. सपोज मेरे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा, एक बार जस्ट एग्जांपल कि मेरे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा 50,000 रुपीज क्या है, CGST. और जो आउटपुट टैक्स मुझे देना है, लेट्स से जस्ट कि वो 2,00,000 रुपए पूरा का पूरा क्या है, SGST, तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा. CGST खाली किसके साथ हो सकता है, देख के बोलो, अपने वाले के साथ या फिर खुलने के साथ. खुला कौन? IGST. तो CGST का इनपुट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, CGST का इनपुट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट और यूटिलाइज्ड अगेंस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो पहले CGST से और फिर IGST से. इसमें 1-2 का मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते. पहले किससे सेट ऑफ करोगे? CGST. फिर बैलेंस बचा तो किससे करोगे? IGST. तो CGST को पहले CGST से होगा, फिर IGST से. सेम ज्ञान गोज फॉर अदर टू ऑल्सो. SGST भी, SGST का इनपुट क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है तो किसके साथ पहले सेट ऑफ होगा? SGST, फिर UTGST का इनपुट क्रेडिट मेरे पास पड़ा है, पहले किसके साथ होगा? UTGST, फिर. लेकिन ये खुले वाले को देखो, खुला वाला बोला हम होंगे तो सबके साथ सेट ऑफ, परंतु सबसे पहले अपना कैटेगरी. तो IGST सबसे पहले सेट ऑफ किसके साथ होगा? IGST. उसके बाद आप उसको जिसके साथ करना है कर सकते हो, CGST, SGST, किसी के साथ भी. और इसमें कमेंडमेंट है, वो मैं बताता हूं. एक बात सुनो, यहां पे बोर्ड पे गौर से देखो. IGST का जो इनपुट क्रेडिट है पहले किसके साथ सेट ऑफ होगा? IGST. उसके बाद मेरा डाउट ये है कि उसके बाद जो बचा हुआ IGST है वो किसके साथ पहले कराओगे? C के साथ कि S के साथ कि UT के साथ कि तीनों में से कोई के साथ भी? कोई के साथ भी. पहले ऐसा नहीं था, अभी ये नया नियम है, ठीक है, कि आप IGST का जो बचा हुआ बैलेंस है वो C, S और UT में किसी के साथ भी किसी भी रेशियो में करा सकते हो. ठीक है, ये डन है एकदम. कौन सा किससे सेट ऑफ हो रहा है, पूरा क्लियर है? गुड. अच्छा, इलस्ट्रेशन. ये जस्ट एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं हो पाएगा इसमें से बहुत सारा चीज, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है. हो सकता है क्या? हो सकता है क्या सेट ऑफ? हो सकता है क्या सेट ऑफ? नहीं.
बोलो थर्ड वाला के बारे में क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता सेट ऑफ, हो सकता है? अरे आईजीएसटी के साथ कोई भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? ऊपर करूं क्या? अच्छा लास्ट वाला पांच नंबर बोलो, आईजीएसटी में 3 लाख पड़ा हुआ है और देना है मेरे को सीजीएसटी 5 लाख, होएगा? होएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? गुड। ऊपर कर दूं मैं? अच्छा ये जो आज देख रहे हो, क्या ये लास्ट टाइम आज देख रहे हैं? दोबारा आएगा ये सब, दोबारा आएगा ये सब। चैप्टर वन में क्या होता है, छोटे छोटे बेस की तरह दिया जाता है, बाद में ये सब वापस आता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स इजी टाइप के हैं, लोड नहीं है। जो हार्ड होगा मैं अपने बोल दूंगा, अभी तो इजी है फिलहाल। ठीक है, कॉपी में आओ, लिखो टिप्स फॉर सॉल्विंग Q&A। Tips for solving Q&A. मैं डिक्टेट कर दूं? मैं लिखूंगा नहीं, हाँ तुम लोग लिखो अपने आप। ये टिप्स जो मैं लिखा रहा हूं बहुत काम आएगा, मतलब ये सब सम्स इजी हैं, पर इसमें भी क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट को बहुत डाउट हो जाता है बिकॉज वो रैंडम तरीके से करता है, सिस्टमेटिक करोगे डाउट नहीं आएगा। पहला पॉइंट, कीप द जीएसटी वैल्यू सेपरेट फ्रॉम द प्राइस, कीप द जीएसटी वैल्यू सेपरेट फ्रॉम द प्राइस, मतलब जो प्राइस को लेके सम सॉल्व करोगे वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेना, मतलब जीएसटी को अलग रखना, प्राइस को अलग। जैसे पिछले दिन शायद मैं कराया था ना, ये देखो पिछले दिन याद है मैं ऐसा कुछ करा रहा था, तो ग्रीन कलर में देखो मैंने प्राइस अलग रखा और जीएसटी पोर्शन लाल रंग में अलग रखा, मिक्स करके मत सोचना। ठीक है, प्राइस को बिना जीएसटी का प्राइस देके चलना, फिर जीएसटी अलग से कॉलम बना के करना, क्लियर? नहीं तो मिस्टेक कर दोगे, फिर तुम कैस्केडिंग इफेक्ट डाल दोगे। नहीं तो अगर तुमने प्राइस में जीएसटी जोड़ दिया और फिर उसी पे 18% मार रहे हो तो कैस्केडिंग इफेक्ट कर दोगे तुम। तो जीएसटी को अलग रखना और प्राइस को अलग रखना, सम्स में सबसे पहला यही चीज। नंबर टू, draw diagram showing separate stages of supply, draw diagram showing separate stages of supply। मतलब जैसे क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो तुम एक क्वेश्चन मतलब ड्रॉ करो हल्का सा, ए बी सी डी, और जब बेच रहा है तो 3 बार बेचा हुआ है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, तो 3 बार हुआ है, तो तीनों बार सप्लाई का वैल्यू कितना कितना था बिना जीएसटी का, लिख लो बिना जीएसटी का वैल्यू लिख लो, और फिर उस पे तुरंत वहीं पे संग संग 18% निकाल दो। ठीक है, 18% एक साथ मत निकालना, इंट्रास्टेट रहेगा तो नौ करके निकालना, और अगर इंटर रहेगा तो आई 18 निकालना, समझ गए बात को? तो स्टेज ड्रॉ करना जरूरी है। नंबर थ्री, कैलकुलेट जीएसटी एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई, कैलकुलेट जीएसटी एट ईच स्टेज। नंबर फोर, कैलकुलेट डैश नीचे
ए बी सी करके लिखाऊंगा, छोटा ए, ये मेरा पॉइंट नंबर कितना है, फोर है ना, तो फोर का छोटा ए, ठीक है, टोटल जीएसटी लायबिलिटी, टोटल जीएसटी लायबिलिटी नंबर बी, आईटीसी यूटिलाइजेशन, आईटीसी यूटिलाइजेशन नंबर थ्री, नंबर सी फ्रेश पेमेंट, फ्रेश पेमेंट, जैसे इधर सुनो, सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर से रॉ मटेरियल आया तो उसके ऊपर मैंने जीएसटी दिया है 2 लाख रुपया, कितना दिया जीएसटी 2 लाख रुपया। अब मैं फर्दर वो माल डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा हूं, उस पर जो जीएसटी आया है लेटेस्ट से वो आ रहा है 3 लाख रुपया, ठीक है, तो व्हाट इज माय टोटल जीएसटी लायबिलिटी 3 लाख रुपया, इसमें आईटीसी कितना सेट ऑफ हो जाएगा 2 लाख, फ्रेश पेमेंट कितना होगा 1 लाख, ऐसे अलग अलग करके निकाल लेना, ये क्लियर है। नंबर फाइव, राइट प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली मतलब लिखो राइट, डब्ल्यू आर आई टी, राइट प्रॉपरली सी जी एस टी कॉमा एस जी एस टी कॉमा आई जी एस टी कॉमा यू टी जी एस टी, मतलब जब आप जी एस टी लिखते हो 18% तो पूरा सब चीज अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखना, सजा के अलग से, कि कौन किससे सेट ऑफ होगा नहीं होगा ये चीज तुमको देखना पड़ेगा, कौन किससे सेट ऑफ होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। नंबर सिक्स, समटाइम्स समटाइम्स द क्वेश्चन में आस्क, द क्वेश्चन में आस्क टू कैलकुलेट रेवेन्यू ऑफ, टू कैलकुलेट रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू ऑफ सी जी एंड रेस्पेक्टिव एस जी, सी जी एंड रेस्पेक्टिव एस जी सेपरेटली, मतलब तुमको क्वेश्चन में बोलने पूछ सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ, दिल्ली का कितना रेवेन्यू हुआ, सी जी का कितना हुआ, अलग अलग पूछ सकता है, तो उसके लिए थोड़े चौकन्ना रहना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको, एक मैं करते जाता हूँ तुम लोगों के साथ ही, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा सॉल्यूशन नीचे बनाया हुआ है मेरा, पर मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन देखोगे ना तो मतलब अटैक नहीं कर पाओगे सम्स को कभी भी, तो एक बार थोड़ा खुद से करेंगे अपने, ठीक है, उसको सॉल्यूशन रहने दो अपनी जगह, तुम अपना सॉल्व करेंगे फ्रेश पेपर पे। राहुल राहुल ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू हरीश ऑफ द सेम स्टेट, यानी ये इंट्रा स्टेट है, हु इन टर्न सेल्स इट टू मिस्टर सूरज ऑफ कोलकाता वही सेम स्टेट फॉर हाउ मच 70,000 इंट्रा स्टेट है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, कोलकाता टू कोलकाता टू कोलकाता, तो क्या हुआ ये इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में दो निकलता है सीजीएसटी अलग एसजीएसटी अलग, ग्रेट, ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, नाइस, डिटरमाइन विच टाइप ऑफ जीएसटी शुड बी लेविड, देखेंगे कॉपी में आ जाए। राहुल हरीश सूरज, ये मेरे को पेज पेज 14 राहुल हरीश सूरज स्टेट वेस्ट बंगाल माना जाएगा, कोलकाता बोल रहे तो डब्ल्यू बी
ओके अच्छा इंट्रा स्टेट के केस में जैसे मेरा तुम्हारे बीच में जो पढ़ाई हो रहा है वो क्या हो रहा है इंट्रा, तो उसमें दो लगेगा ना, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, दो लगेगा। तो राहुल ने हरीश को कितने पे माल बेचा था? क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया कि ये जो 50 और 70 है इसके अंदर जीएसटी है या नहीं है। मेरी बात सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब हमको क्लियर बताया हुआ नहीं है दैट द प्राइस इंक्लूड्स जीएसटी, वी विल ऑलवेज अज्यूम कि जीएसटी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आवर अजम्पशन विल बी क्या कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे कि भाई 50 और 70 के अंदर जीएसटी नहीं है, मतलब जीएसटी अलग से है। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? वो 50,000 अलग है जीएसटी अलग है, 70,000 अलग है जीएसटी अलग है, वैसा सोचोगे। ठीक है, देखो रियल वर्ल्ड में और सम्स में फर्क होता है। एक बात सुनो, जस्ट सुनो, रियल वर्ल्ड में प्राइसेस जो दिए जाते हैं बोले जाते हैं दे आर ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जैसे मैं अगर आज मार्केट में जाके 20 रुपीज का बिस्कुट का पैकेट खरीद रहा हूँ तो 20 रुपीज एमआरपी बोलते हैं ना, फुल फॉर्म, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड जीएसटी। बाजार में तो वो बिस्कुट वाला ये नहीं बोलेगा ना मेरे को कि 18 रुपया 50 पैसा प्लस 1.5 रुपया अलग से, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं भी जब अपनी फीस कोट करता हूँ तो मैं तो इंक्लूड जीएसटी करके ही करता हूँ, कोई भी टीचर, मतलब हालांकि एक दो जगह ऐसा भी देखा है, जैसे साइंस के टाइम पे मैंने देखा था, ये फिटजी सुने हो कभी क्या, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पढ़े, तो उन लोग का अलग होता है, वो लोग फीस प्लस टैक्स अलग बोलते हैं। ठीक है, अभी का मेरे को मालूम नहीं पर पहले का बता रहा हूँ। तो अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर लोग जानते हो, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो पैसा लेते हैं बकायदा, नॉट संदीप महेश्वरी, वो पैसा नहीं लेते। जो पैसा लेने वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो बहुत सारा होता है, जो कॉरपोरेट में जा जाके, हाँ विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा पैसा लेता है, तो पैसा लेता है फिर, तो विवेक बिंद्रा जैसे हुआ। ठीक है, तो ये लोग क्या कॉर्पोरेट में जाके मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, तो वो लोग का क्या होता है, बहुत महंगा पैकेज होता है। अब मेरे को पता नहीं कि उनका इतना महंगा पैकेज है कि नहीं है, क्योंकि इनमें एक एक जो 2 दिन का वर्कशॉप होता है उसका 1-1.5 लाख रुपया का फीस होता है। तो उसमें जाता ही मतलब बड़े बड़े कंपनियों का जो टॉप लोग आदमी लोग होता है ना, केवल वो जाते हैं वो 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो वहां पे जो प्राइस, और 5-स्टार होटल में होता है बकायदा, तो वहां पे जो उनकी फीस कोट होती है इट इज लाइक 1.5 लाख+ GST, तो जीएसटी अलग से होता है। तो कुछ कुछ केसेस में खाली जीएसटी अलग होता है रियल वर्ल्ड में, बाकी रियल वर्ल्ड में जितने भी प्राइसेस होते हैं दे आर ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तभी तो अपने को करना पड़ता है इनटू 18/118। अच्छा, मेरा फीस में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मेरे फीस में अगर तुमको जीएसटी का अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे, इनटू 18/118। लेकिन विवेक बिंद्रा के केस में जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसके केस में करोगे तो अगर वो उनका फीस है सपोज 1.5 लाख, तो इट इज 1.5 लाख+ GST, जीएसटी अलग है, तब तुम करोगे 1.5 लाख × 18/100। बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो यहां क्वेश्चंस में जब कुछ नहीं बोलते तो अपने मानते हैं कि जीएसटी अलग है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब चलो निकालते हैं इसका, वेरी सिंपल, इधर 9% सीजीएसटी एसजीएसटी। ये क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी। ये जो मैंने अभी सॉल्व करके निकाला 4,500, 4,500, ये क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी। वैसे इधर भी निकाल लो, अगेन दैट 6,300 इज व्हाट, ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब सुनो, जब हरीश के बारे में सोचो, हरीश के बारे में सोचो, हरीश
जब सूरज को माल बेचेगा तो 70,000 रुपये आया प्लस जीएसटी अलग से आया, ये समझ लो क्या बात, जीएसटी सेपरेट। तो आउटपुट जीएसटी से वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है कि नहीं, वो ले सकता है। तो अल्टीमेटली उसको 6,300 देना पड़ेगा कि 6,300 माइनस 4,500 माइनस 4,500, उसको तो उतना देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं सिर्फ हरीश के बारे में बात कर रहा हूं। हरीश के पास पैसा कितना आ रहा है? 70,000 तो माल का कीमत आया, 6,300 और 6,300 उसने क्या लिया, जीएसटी का पैसा लिया क्लाइंट से, सूरज से। अब हरीश के जेब से पैसा कितना गया था? 50,000 वो दिया था इसको, क्या नाम है, राहुल को, और साथ में क्या दिया था, तो ये 4,500 वो पहले दे चुका है ना। तो उसका जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी वो कितना है, 6,000। हरीश का आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कितना है, 6,300। पर आउट ऑफ दैट 4,500 हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट, ऑलरेडी दे चुका है ना वो। तो अब एक्स्ट्रा कितना देगा वो, 6,300 माइनस 1,800 वो देगा गवर्नमेंट को फ्रेश, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को वापस से और कितना देगा गवर्नमेंट को, 1,800 खाली डिफरेंशियल पोर्शन देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या देगा, खाली डिफरेंशियल पोर्शन देगा। अच्छा, एकदम सिंपल सा सवाल, इस पूरे कैलकुलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, इस पूरे कैलकुलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? आई एम गिविंग यू थ्री ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन 4,500 ओनली, ऑप्शन नंबर टू 6,300 ओनली, ऑप्शन नंबर थ्री 10,800। कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6,300। 10,800 नहीं मिला, 6,300 मिला। पहले 4,500 मिला गवर्नमेंट को, इधर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को 4,500 मिला, फिर बाद में कितना मिला, 1,800, जोड़ के कितना हुआ, 6,300। तो 10,800 तो मिला नहीं ना, 6,300, समझ में आ रही चीज। वैसे डब्ल्यू बी गवर्नमेंट को कितना मिला, 6,300। ये सिंपल मैथ था, ये क्वेश्चन वन ईजी था, ये हो गया क्या सबका? अब एक बार इसको मैं बुक से दिखा दूं, एक बार हटाएंगे इसको, हटा दें। रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जब राहुल ने हरीश को बेचा था, जब राहुल ने गुड्स बेचा था हरीश को, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला था, 4,500। जब हरीश ने बेचा था सूरज को, तब गवर्नमेंट को डिफरेंशियल कितना मिला, 1,800। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, 6,300। द सेम गोज फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट को टोटल 6,300 मिला, कब कब कितना मिला, पहली बार जब राहुल ने हरीश को बेचा तब 4,500 मिला, फिर बाद में जब हरीश ने सूरज को बेचा तो सिर्फ 1,800 मिला, तो टोटल मिला के 6,300 मिला। तो गवर्नमेंट वेट थोड़ा ना करती है कि ट्रांजैक्शन के सीरीज में जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा तब पैसा लेगा, गवर्नमेंट तो ट्रांजैक्शन के हर स्टेज पे आपसे पैसा लेते रहता है, हाँ या ना भाई, गवर्नमेंट तो ट्रांजैक्शन के हर स्टेज पे आपसे पैसा ले रहा है, ये थोड़ा ना कि एकदम लास्ट वाले में जाकर पैसा ले रहा है, हर वक्त ही पैसा ले रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज तुम लोग को यहाँ जो मैं ये सर्विस दे रहा हूँ इस पे मेरा कुछ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आता है, लेट अस से जो आ रहा है एक बार 2,00,000 रुपया मान लो, ठीक है। अब यार मैं भी तो कुछ इनपुट गुड्स या सर्विस लेके तुमको आउटपुट सर्विस दे रहा हूँ, मेरे इनपुट गुड सर्विस में भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं,
तो उनका जीएसटी पेमेंट मैंने किया है कि नहीं किया है? मैंने पेमेंट किया, हाँ मैंने, मैंने उस बंदे को दिया, उसने सरकार को दिया। जैसे बुक्स आई तो मैंने, मेरे बुक्स के साथ मेरे पास बिल आया होगा ना, तो बिल में जीएसटी था कि नहीं? तो वो जीएसटी मैंने दिया था उमंग को, तो उमंग ने उस सरकार को दिया, ठीक है। अच्छा, उमंग ने भी तो पेपर किसी से खरीदा होगा, उमंग ने भी तो पेपर परचेस किया होगा किससे, तो उसने उमंग को जो इनवॉइस दिया उसमें जीएसटी जोड़ के, तो जीएसटी पेड दैट जीएसटी, उमंग पेड दैट जीएसटी टू दैट पेपर वाला, एंड पेपर वाला डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वेट नहीं करती कि ट्रांजैक्शन के लास्ट लेग में पैसा लगी, बीच में लेते रहती है और आगे वालों को उसका सेट ऑफ देते रहती है। इजी क्वेश्चन था, सेकंड वाला एकदम डिट्टो, इसका जुड़वा भाई है, बस एक ही फर्क है पुडुचेरी। तो अपने तो बात किए ना कि दिल्ली और पुडुचेरी इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ स्टेट। देख लो इधर, ए ऑफ पुडुचेरी सेल्स गुड्स वर्थ 50,000 टू बी ऑफ द सेम प्लेस एंड हु इन टर्न सेल्स इट टू सी ऑफ पुडुचेरी फॉर 70,000। तो पुडु का पुडु ही में रह गया, कॉल इट। इंट्रास्टेड एकदम सेम है, रिपीट टाइप है, ठीक है। वो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए था, बिकॉज पुडुचेरी और दिल्ली में दो ही भाग होता है, आईजीएसटी का चक्कर नहीं है, और वैसे भी इंट्रा जीएसटी है, ठीक है। इंट्रास्टेट है ना, इंट्रास्टेट में तो दो टुकड़े होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, और इनका इनके पास ही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पास जाएगा भी नहीं। ठीक है सबको, अब थोड़ा सा अलग है। अब देखो कौन है हम लोग के पास, दमन एंड दीव, विच इज अ यूनियन टेरिटरी। अच्छा, क्वेश्चन लगभग वही सेम है, एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, पूरा सारा का सारा ट्रांजैक्शन दमन एंड दीव में हुआ है। गोवा महाराष्ट्र है ना, सटे हुए है ना, गोवा महाराष्ट्र बीच के पास है, तो वहीं पे जो कुछ आइलैंड से उनको ही बोलते हैं दमन एंड दीव, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। ओके, नाउ इंट्रा स्टेट है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। द क्वेश्चन इज इंट्रा स्टेट, दमन एंड दीव का, दमन एंड दीव में हो रहा है, तो इट इज लाइक एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट में एक ही साथ टैक्स देते हैं कि अलग अलग करके हैं? मेरे तुम्हारे बीच में भी तो इंट्रा स्टेट ही है, तो मैं एक साथ देता हूं कि आईजीएसटी के दो अलग अलग, तो यहां भी दो अलग अलग होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बोलते वक्त और रट्टा मारते वक्त गड़बड़ होता है, हम लोगों को क्या लगता है एक ही स्टेट के अंदर है तो एक ही देंगे, समझ में आ रहा है, अलग अलग में दे रहे हैं तो अलग अलग देंगे। तो यार ये तो तुम वैसे रट्टा मार रहे हो ना, तो गलत कर रहे हो तुम। सोचना कैसे चाहिए कि अगर सेम ही स्टेट में ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों है तो किस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, इस बात की तो कोई कंफ्यूजन, तो मैं खुद ही विभाजित करके दे दूंगा, सीजी को इतना, एसजी को इतना। जब दमन एंड दीव का दमन एंड दीव में ही दे रहे हैं, तो पिक्चर में और कोई लोकेशन आया क्या? तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, द पेयर द पेई इज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो पेई क्या करेगा, वो सीजी को अलग देगा, यूटी को अलग दे देगा, समझ रहे हो बात को। इंटर स्टेट में क्या होता है, दो स्टेट्स आ जाते हैं, तो पे ही डिसाइड नहीं करेगा क्या करना है नहीं करना, कौन डिसाइड करेगा, सीजी। तब हम लोग एक साथ देते हैं आईजी एसटी। तो थोड़ा इसको लेके संभाल के रखना, मैं बता रहा हूँ, कई जने खोपड़ी में इसका उल्टा बैठ जाता है एकदम। इंट्रा मतलब एक स्टेट तो एक टैक्स तो एक साथ, ऐसे नहीं होता, ठीक है, हर जगह ऐसे ऐसे नहीं चलता। तो इंट्रा स्टेट में किसको किसको देंगे, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा किसको जाएगा, यूटी का पैसा भी किसको जाएगा, सीजी, ये ना बस यही फर्क है, बाकी सारे फिगर्स वगैरह सब सेम आने वाले हैं। अरे फिगर सारा सेम है ना, 50,000 70,000 सब वही आएगा निकल के। तो 6,300 किसके पास जा रहा है, सीजी, और दूसरा वाला 6,300 भी किसके पास जा रहा है, सीजी। तो 6,300 प्लस 6,300 12,600।
यहाँ तो 18% लेके अपने चले, सिंपल द मोस्ट स्टैंडर्ड रेट इज 18%। अगर कोई क्वेश्चन जो रेट्स के ऊपर ही स्पेसिफिकली है तो वहां पे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डेटा इज गिवन, जिससे पता चल जाए कि क्या रेट होगा। ठीक है, नथिंग सेड, वी टेक 18। ओके है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए वो क्या था? इंट्रा, ये कौन सा है? इंटर। इसमें पता है 3 ट्रांजेक्शन होगा, इंट्रा, इंटर, इंटर। इस क्वेश्चन में होगा इंट्रा, इंटर, इंट्रा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू दिल्ली, दिल्ली। शिट, सही है। लिखो लिखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पेमेंट्स को लेके मैं तुमको एकदम तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन है। पहले पहले क्या होगा पता है? मुंबई का एक बंदा मुंबई वाले को ही माल देगा, तो मुंबई टू मुंबई क्या हुआ? महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट। फिर वो जो मुंबई का बंदा है वो दिल्ली वाले को बेचेगा, तो मुंबई टू दिल्ली क्या हो गया? अच्छा, दिल्ली देख के तुम्हारे को सोचना नहीं है ना, दिल्ली इज जस्ट ट्रीटेड लाइक अ स्टेट। ठीक है, तो महाराष्ट्र मुंबई का बंदा अगर दिल्ली वाले को देगा तो दैट इज इंटर स्टेट महादेल। फिर दिल्ली वाला जो लिया है वो अगेन एक दिल्ली वाले को दे रहा है, तो क्या हुआ? इंट्रा स्टेट दिल्ली टू दिल्ली। ओके ना, क्लियर है? तो अच्छा, जब ना इंट्रा स्टेट होता है तो 2 टैक्स आप देते हो, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन इंटर वाले में आप एक ही देते हो, आईजीएसटी। ओके है, क्या डाउट है क्या भाई? ये जो मैं डायग्राम बनाया वो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो एकदम साफ दिख रहा है? इसका चालू हो गया कमेंट बाजी इधर। अभी देखो एकदम स्पष्ट है, पहले क्या हो रहा है? मुंबई टू मुंबई, दैट इज इनसाइड महाराष्ट्र, इंट्रा, तो उसमें 2 टैक्स होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। फिर मुंबई वाले ने दिल्ली वाले को दिया तो दैट इज इंटर, तो उस पर क्या होगा? आईजीएसटी। उसका विभाजन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, मैं करने वाला कोई नहीं हूं। फिर दिल्ली वाले ने दिल्ली वाले को दिया, दैट इज इंट्रा स्टेट इनसाइड दिल्ली, तो उसमें 2 होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा, एक बार याद रहे, यहां एसजी का मतलब 2 है, एक महाराष्ट्र और एक दिल्ली है, एक महाराष्ट्र और एक दिल्ली है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको समझ लेना चाहिए अभी ही, ये एक ट्रांजैक्शन का चेन हुआ है। इधर देखो, ये एक ट्रांजैक्शन का चेन हुआ है, ए बी सी डी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ओरिजिनेटेड इन मुंबई, अल्टीमेटली गोज टू दिल्ली। तो व्हाट इज द लास्ट डेस्टिनेशन? यानी सुन लेना, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा, ऑल पैसा विल गो टू दिल्ली सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैं पहले से क्लियर एकदम बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन और जो अपनी सोच है ना वो उर्दू जैसी रखना, एकदम ऐसे मूव करना। ठीक है, डेस्टिनेशन टू ओरिजिन, क्या बोला? डेस्टिनेशन टू ओरिजिन। डेस्टिनेशन कौन है? दिल्ली। तो याद रखना, इस पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी जीएसटी आएगा अल्टीमेटली वो आधा जाएगा सीजी और आधा जाएगा दिल्ली सरकार को। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा, जो शुरू में मिला था वो भी उन लोग वापस लौटा देगा। महाराष्ट्र सरकार को शुरू में जो मिला वो भी वो लोग वापस लौटा देगा, और वो किसके पास जाएगा? केजरीवाल, दिल्ली। ठीक है, इधर ये क्लियर है क्या? अभी इसका थोड़ा फिगर्स देखते हैं। हाँ, अच्छा, अपने को जो प्राइसिंग लेना है वो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी की, जीएसटी छोड़ के, जीएसटी छोड़ के इधर। अच्छा,
चार बंदे हैं, ए बी सी डी, तो तीन ट्रांजैक्शन है, तो आई नीड थ्री वैल्यूज. दस हजार, बारह हजार, 20% जोड़ के 12,000, 12,000 में फिर 20% जोड़ के 14,400. ये 20% क्या है मार्कअप? ये 20% क्या है? सारा झोल दुनिया में इसी का है, सारा झोल ही अपने को दुनिया में इस चीज का. मैं तो बता रहा हूं, हम लोग को क्या सिखाया जाता है स्कूलों में कि प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस मार्कअप, विच इज टोटली फॉल्स. दुनिया में कहीं पे भी प्राइस जो निकलता है वो बाजार के कॉम्पिटेटिव फोर्सेस को देख के निकलता है, कॉस्ट प्लस मार्कअप को देख के कतई नहीं. एक बात बताओ, गोल्ड का भाव मेरे ख्याल से 40,000 रुपया चल रहा होगा अभी फॉर 10 grams. डू यू थिंक 40,000 रुपया फॉर 10 grams दैट इज कॉस्ट प्लस मार्कअप? इफ इट वॉज कॉस्ट प्लस मार्कअप देन हाउ इट इज चेंजिंग डेली? पेट्रोल का भाव जो आप दे रहे हो 80 रुपया जो रोज रोज बदल रहा है, डू यू थिंक इट इज कॉस्ट प्लस मार्कअप? बॉस इफ इट वॉज कॉस्ट प्लस मार्कअप तो रोज कैसे चेंज हो सकता है यार? ठीक है, अच्छा मेरे केस में मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरा तुम कैसे कॉस्ट शीट बनाओगे? मेरा कॉस्ट शीट बनाना इज वेरी वेरी हार्ड. मतलब मेरे केस में ओवरहेड्स वगैरह तो तुम निकाल के जोड़ लोगे, बट द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज दैट आई एम रेंडरिंग वो एग्जैक्टली नापा जा ही नहीं सकता. वो कैसे नापा जा सकता है? वो कोई नाप सकता है? एक लॉयर के पास हम गए, दो लॉयर के पास में गया, एक लॉयर मेरे से 4,000 फीस मांगा, लेकिन दूसरा लॉयर सीधा 40,000 फीस मांगा. दोनों सेम तरह का सर्विस दे रहे हैं पर कीमतों में कितनी फर्क है? तो डू यू थिंक इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट? ये जो सामान हम लोग घरों के लिए खरीदते हैं, जो हम लोग के घर में सोप डिटर्जेंट्स वगैरह आता है, इज इट बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट की कॉम्पिटेटिव फोर्सेस? टोटली कॉम्पिटेटिव फोर्सेस. प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला दाम बढ़ाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर तुरंत बढ़ा देगा. दो तगड़े कॉम्पिटिटर आपस में रोज लड़ते रहते हैं, HUL और PNG. ठीक है, एक दाम बढ़ाए दूसरा तुरंत बढ़ाएगा, एक कम करेगा दूसरा तुरंत कम करेगा. दे मॉनिटर ईच अदर. तो प्राइसेस ना ये कॉस्ट प्लस मार्कअप से निकलता नहीं है, इसी की वजह से तो सारा झोल हो जाता है. ठीक है, रियल वर्ल्ड में बाजार को देख के दाम तय होता है, कॉस्ट को देख के कभी तय नहीं होता. कमिंग टू दिस वन, 10,000, 12,000, 14,400, तीन ट्रांजेक्शन वैल्यू. नाउ मुझे देखना है कि जीएसटी का पैसा कब कब कैसे कैसे किसको किसको जाएगा. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा मेरे साथ मत ड्रॉ करना, मेरे साथ ड्रॉ मत करना. ओके, इस बार मेरे साथ ड्रॉ मत करना. इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे. इधर देखो शांति से, एक बार खाली बोर्ड पे ताको, कोई कॉपी नहीं करने का कुछ नहीं, बस एक बार समझ लो, बिकॉज ये बहुत अच्छा चीज़ है. एक बार समझ के दिक्कत नहीं आएगा, नहीं समझो तो फिर मैं फिर बाद में बीच में क्लियर ही नहीं होता, ये ऐसा चीज़ है. ठीक है, इस बार डायग्राम ऐसे बनाया हूँ. ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मुंबई टू मुंबई किस दाम पे हुआ है? बाजू में देखो 10,000. मुंबई टू दिल्ली दैट इज इंटर स्टेट किस दाम पे हुआ है? 12,000. दिल्ली टू दिल्ली 14,400. अल्टीमेटली सरकार के पास तो जो लास्ट जीएसटी का फिगर है वही जाता है, तोड़ तोड़ा के, तोड़ फोड़ के जैसे भी हो, अल्टीमेटली सरकार के पास जीएसटी का कौन सा पैसा जाता है? लास्ट वाला ही जाता है. तो 14,400 पे जीएसटी निकालो. ठीक है, सबसे पहले 14,400 जो है जीएसटी का, ये इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर स्टेट होगा? हाँ, इंट्रा. तो ये अगर इंट्रा है तो इसमें पक्का दो कॉम्पोनेंट है, CGST दिल्ली, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का, DSGST मतलब वही स्टेट गवर्नमेंट का, पर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं.
एसजीएसटी दिल्ली, ठीक है, कितना परसेंट आएगा? वही 18% पकड़े, 9% 14,400 × 9% 12,96 12। तो अल्टीमेटली सरकार को टैक्स तो यही मिलेगा सर, याद रखना। हालांकि सरकार आपसे लेना चालू करती है शुरू से, लेकिन फिर बाद में आप सेट ऑफ मारते रहते हो, तो बाद में तो थोड़ा थोड़ा देते हो। ट्रांजैक्शन के शुरू वाला जो भाग होता है उसमें सरकार को पहले ज्यादा दे देते हो, और बाद में तो केवल आप डिफरेंशियल पोर्शन पे थोड़ा देते हो ना, पर अल्टीमेटली ज्यादा सरकार को अल्टीमेटली लास्ट में कितना है, इतना ही जाएगा। तो आउटपुट एकदम लास्ट आउटपुट पे निकल के आएगा। लास्ट आउटपुट ट्रांजेक्शन कितने का था? 14,400, उस पर 9% कितना आएगा? 12,96 12। अल्टीमेटली सरकार को जाएगा तो सर यही। अब कैसे तोड़ा के जाएगा वो अपने देखेंगे, पर अल्टीमेट आंसर पहले रखो ना, जो अकाउंट्स में नहीं होता, टोटल बताओ पहले, फिर ऊपर का मैच करा देंगे। तो यहाँ अल्टीमेट को पहले पकड़ो, अल्टीमेट किसके पास जाएगा? 1296 यही हो सकता है। दिस विल गो टू सी जी, ये मोदी जी के पास जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, दिल्ली, ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? कुछ नहीं यार, अल्टीमेटली यही जाएगा लास्ट फिगर सरकार के पास। ये सबको समझ में आना चाहिए, अल्टीमेटली सरकार के पास यही जाएगा। कुछ भी कर कुरा लो, जो लास्ट आउटपुट सर ट्रांजेक्शन हुआ वो 14,400 का, उस पर जो जीएसटी आएगा वही जाएगा, और कुछ भी नहीं। अल्टीमेट आंसर यही होगा कि 1296 गोज टू सी जी एंड 1296 गोज टू दिल्ली गवर्नमेंट। सो व्हाट गोज टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट? नथिंग, बिकॉज इस पूरे ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन है? दिल्ली है, एंड जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा बुरा इससे लग रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। तो यार आप उल्टा सोचो ना, अगर सपोज दिल्ली से माल मुंबई बिका होता तो तब तो सारा टैक्स इसको मिलता, मुंबई को, तब दिल्ली सरकार को नहीं मिलता यार। ऐसे नहीं तो वैसे तो आपको घुमा के फायदा हो ही रहा है। अगर ट्रांजेक्शन का लय उल्टा कर दे हम लोग, दिशा उल्टा कर दे, तब उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे क्या गया, वो मैं दिखा रहा हूं सबको, बोर्ड पे शांति से देखने का। सबसे पहले 10,000 रुपया को देखो सर, ये क्या है? ये है इंट्रा, मुंबई टू मुंबई मीन्स महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र इंट्रा। तो इस पर दो टैक्स निकलता है, सीजीएसटी एसजीएसटी महाराष्ट्र वाला, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा ना। कितना आएगा? 9% वो तो इजी है, एक बार फिर भी देख लो, 900 900 सही है ना, ठीक है। ये 900 किसको जाएगा? सीजी। ये किसको जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 900 देना पड़ेगा वापस, ये वापस देगा नहीं रख पाएगा वो लोग, अभी तो ले लिया, बाद में वापस देना पड़ेगा, देखो पता चलेगा थोड़ी देर बाद ही। अब ये बीच में, यहां तक पहले क्लियर है क्या? ऊपर वाला पोर्शन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? ठीक है, अच्छा इधर देखो एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, दिल्ली गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, अल्टीमेटली आई टोल्ड यू 1296 1296 ही रहने वाला है दोनों का, करेक्ट। राइट नाउ सीजी गॉट हाउ मच इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? फर्स्ट ट्रांजैक्शन होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया? 900। उस वक्त दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला, किसको मिला? महाराष्ट्र सरकार को मिला, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है यहां पे, मुंबई टू दिल्ली 12,000, दैट बिकम्स इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में मैं दो टुकड़े करता हूं कि मैं एक ही हिस्सा देता हूं? हाँ, मैं तो एक ही हिस्सा दूंगा। नेम दैट आईजीएसटी, आईजीएसटी हाउ मच अमाउंट? 12,000 रुपए निकालो बैठ के, 18% निकाला है हम, 18% निकाला है हम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 18% ऑफ 12,000, 18% ऑफ 2160। अच्छा अब आप एक बात सोचो, जो डीलर है क्या वो 2160 पे करेगा?
कटता ही नहीं, वो बोलेगा कि ऊपर 1800 का जीएसटी दिया जा चुका है, तो अब की बार हम लोग 1800 का वो वाला इनपुट क्रेडिट तो लेंगे ही प्लस 360 रुपया फ्रेश पेमेंट करेंगे। 2160 पे करेगा क्या? नहीं, 1800 तो पहले दे चुका ना इनपुट टैक्स, तो डिफरेंशियल कितना पे करेगा? 360 रुपया ही पे करेगा। अच्छा, ये 1800 किसको मिलना चाहिए? सीजी। और ये 360 भी किसको मिलना चाहिए? सीजी, बिकॉज आईजीएसटी है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी किसको मिलता है? तो मेरा सवाल है 2160 रुपए पे, डोंट हाईलाइट, 2160 रुपए पे किसका हक बनता है अभी फिलहाल? एक बार सीजी को मिलेगा। अच्छा, तो 1800 भी सीजी को मिलना चाहिए और 360 भी सीजी को, तो डीलर फ्रेश पेमेंट कितने का कर रहा है? 360, तो वो 360 तो सीजी को देगा, पर प्रॉब्लम ये है कि जो 1800 है उसमें 900 सीजी को दिया जा चुका था, पर 900 किसको गया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो जो 900 रुपया लेके बैठी है, वो 900 रुपया किसको लाके दे देगी? सीजी को। ठीक है, तो सीजी को भी 900 रुपया और मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट 900। सेकेंड ट्रांजैक्शन में फ्रेश पेमेंट और मिलेगा कितना? 360। तो अभी 2160 टोटल किसका हाथ में आ गया है? टोटल सीजी के हाथ में आ चुका है। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन में सीजी को कितना मिला था? 900, और 900 किसको मिला था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। जैसे मैं, मुझे अगर लिखना होना तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन और इसको तोड़ फोड़ के लिख देता हूँ अच्छे से। इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? 900 मिला सीजी को और 900 मिला महाराष्ट्र को फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। दिल्ली सरकार को उस वक्त कुछ नहीं मिला। सेकेंड ट्रांजैक्शन जब इंटरस्टेट हुआ, तो अब आप जीएसटी का फिगर निकालो, 12,000 पे 18% आईजीएसटी, विच कम्स टू 2160। एंटायर 2160 किसका खाता में रहना चाहिए? सीजी। अच्छा, बंदे ने फ्रेश पेमेंट कितना किया? 360, तो 360 तो स्टेट सीजी को दिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अपना 900 लाके किसको दे दी? सीजी को। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खाते में क्या बचा? ठेंगा, जो 900 मिला था वो भी सीजी को आ गया, क्योंकि 2160 का आईजीएसटी किसके हाथ में होना चाहिए था? सीजी के हाथ में। अब सीजी उसका आधा आधा करेगा, तो अभी सीजी के हाथ में यहां तक कितना आ गया है? 2160 कितना खुद रखेगा? आधा। ₹1,080 पे कर देगा इसको, तो दिल्ली गवर्नमेंट को कितना मिल गया? 1,080। ठीक है, क्योंकि मुंबई टू दिल्ली माल बिका है ना, और 1,080 अपने पास रखेगा। इसके बगल में लिखो अपॉर्शन। ठीक है, तो 2160, 1,080 खुद रखेगा, 1,080 उधर पास कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेचारे को कुछ नहीं मिला ऊपर। अब देखो थर्ड ट्रांजैक्शन में 14,400, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट, बट इसका पेमेंट सोचो कैसा होगा। 14,400 पे तुम एक बार 18% निकालो, टू फाइव नाइन टू में से, इधर बस सोचो, 2592 में से 2160 दिया जा चुका है। 2160 क्या था? हेलो, एक सेकंड, 2160 क्या था? आईजीएसटी का किसी के साथ भी सेट ऑफ, किसी के साथ भी हो सकता है, तो 2160 गया। फ्रेश पेमेंट कितने का होगा? 432। ये जो 432 का फ्रेश पेमेंट है, ये दोनों को मिलेगा, सीजीएसटी को भी और दिल्ली को भी, तो ये 432 सीजी के पास भी जाएगा और दिल्ली सरकार के पास भी जाएगा, आधा आधा। 432 का आधा करो, 216, तो इनको थर्ड ट्रांजैक्शन पे 216 और मिला। तो थर्ड ट्रांजैक्शन पे दोनों को 216 और मिल गया, बचा कितना? टोटल 1296
अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुम लास्ट में जाके देखो वही तो हो रहा है कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन था 14400 उस पर जो जीएसटी आया वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है पूरा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, सॉल्यूशन ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कॉपी करने का टाइम भी दिया नहीं था, सॉल्यूशन बनाया हुआ है वहीं पर। ओके, अनफॉर्चुनेटली मैं जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने जा रहा था वो टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तुम लोग को एक यार सुनो, हैंडआउट मिला होगा ये वाला। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 4 पेजेस का मिला होगा पूरा, ठीक है, दिख रहा है? ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज ये लेके आने का, ठीक है, संडे 11 o'clock। बिफोर दैट रुक जाओ, एक बार रुको ना, सॉल्यूशन तो समझाने दो बुक से। हाँ ले आओ, इसमें क्या है, इधर अब इधर देखो सॉल्यूशन, ए भाई इधर प्लीज शांति, सबको देखो इधर ध्यान से। पहला ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 10,000, हाईलाइट मत करना, मैं खाली पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, 10,000। फिर उस पर दो दो जीएसटी जोड़ो, 900 900, 11,800। ये वाला जीएसटी किसको गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये वाला किसको गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो बाद में दे देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, करेक्ट है? फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ, सेकेंड ट्रांजेक्शन ये रहा, 12,000 का हुआ था, उस पर जीएसटी आया, आईजीएसटी आया 18%, 2160। ठीक है, तो आईजीएसटी में किस तरह से कलेक्शन होगा, देखो 1800 तो पहले ही दिया जा चुका था, तो 2160 देना है, तो डिफरेंस कितना, 360, तो 360 आप किसको दे दोगे, सीजी को, और सीजी को पहले कितना आप दे चुके हो, 900, और 900 उसको कहां से मिलेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिल जाएगा, सीजी फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इधर देखो लिखा हुआ भी है, मुंबई विल ट्रांसफर एसजीएसटी ऑफ 900 रुपया टू द आईजीएसटी अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल लेफ्ट विद नथिंग, दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग, वो 900 रुपया किसको दे देंगे, सीजी। तो अब पूरा का पूरा 2160 किसके खाते में पड़ा हुआ है, सीजी इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, इधर तो हम लोगों के पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है 2160। अच्छा, आउटपुट जीएसटी जो अपने निकाले थे ना उधर 1296 ईच लास्ट ट्रांजेक्शन, उसमें सीजी को कितना मिलना चाहिए, 1296, और दिल्ली सरकारों को कितना मिलना चाहिए, 1296, करेक्ट। तो अब इधर देखो क्या होगा, ये पूरा 2160 किसके हाथ में पड़ा हुआ है, सीजी। तो आईजीएसटी का क्या सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो सकता है क्या, हाँ, तो सीजीएसटी के खाते में कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है, सीजीएसटी का हक कितना का बनता है, 1296, लेकिन उनके हाथ में कितना पड़ा हुआ है, 2160, तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 2160 विल बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी, तो उनको कुछ नया पेमेंट मत करो, तो भारत सरकार के हाथ में 1296 पड़ा रह गया। अब 2160 माइनस 1296 कितना होता है, गंदा फिगर आएगा, माइनस 864। अच्छा, 864 का जो आईजीएसटी वो भी किसके हाथ में पड़ा हुआ है, सीजी के हाथ में पड़ा हुआ है ना, तो सीजी वो पैसा किसको दे देगा, दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार को 864 तो चलो मिल गया सीजी की तरफ से, बैलेंस कितना, ये बोलो, 432, तो फ्रेश पेमेंट कितना होगा, 432, वो फ्रेश पेमेंट 432 किसको करेंगे, दिल्ली सरकार को। अल्टीमेट आउटपुट टैक्स कितना है, 2592 माइनस 2160 पे हो चुका है, तो कितना बचा, 432, तो वो फ्रेश पेमेंट 432 किसको जाएगा, दिल्ली सरकार को, तो भारत सरकार 864 रुपया पकड़ा देगी दिल्ली सरकार को, जो लास्ट बंदा है, लास्ट पर्सन, वो लास्ट सप्लायर जो है वो 432 रुपया किसको देगा, दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार के पास जोड़ जा रहा है 864 प्लस 432, इट कम्स टू 1296। मैथ्स ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, आना अल्टीमेट आंसर वहीं पे है तुमको, इसलिए बोला यहाँ पे थोड़ा उर्दू स्टाइल में चलना, डेस्टिनेशन से बढ़ना एकदम सही आंसर आएगा, चाहे कैसे भी मैथ्स लगा लो। ओके,
तो यहाँ पे आज क्लोज करते हैं, ये अपना पूरा कंप्लीट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुझे कराना है, वो आज टाइम नहीं बचा, अगले दिन प्लीज़ वो हैंड आउट लेके आना, बहुत ज़बरदस्त है वो, ठीक है। अभी एक दो साल तक वो लोग पूछेंगे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ओके स्टॉप करता हूँ।